के साथ करना, साथ साथ स्लाइड करने हो, ठीक हो गया। अच्छा, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तो हम अपना वो वाला लेक्चर कर रहे हैं, स्लाइड नंबर 24 से स्टार्ट करना हमने। जी बच्चे, मैं स्लाइड कर रही हूँ, स्लाइड नंबर 24 से स्टार्ट करना हमने। मैम अटेंडेंस कहाँ से देखनी है हमने? ठीक है, जी बेटा कल लास्ट जो स्लाइड मैंने आप लोगों के लिए छोड़ी थी वो 24 स्लाइड थी। ये वाली स्लाइड मैं करवा रही थी आप लोगों को, जिसमें सम पोटेंशियल हैजर्ड इन द वर्क प्लेस, और इस स्लाइड को भी तकरीबन लास्ट टू जो है हम रह गई थी, बाकी मैं स्लाइड कंप्लीट कर। ठीक है बच्चे, जिसमें कुछ मैंने पोटेंशियल हैजर्ड बताए थे इन द वर्क प्लेस के हैजर्ड्स होंगे, लेटेस्ट जी भी मैंने बताया, कोई ऐसा वर्क ऐसे जहाँ काम करते वक्त जैसे डस्ट की एलर्जी हो सकती, और कोई अगर फ्लावर का या सीजनल एलर्जी हो सकती, पोलन एलर्जी हो सकती है, या किसी खाने पीने की एलर्जी हो सकती है, कोई ऐसी जगह पे काम कर रहा है जहाँ पे कोई खाने पीने फूड की फैक्ट्री है, तो उससे भी एलर्जी हो सकती है। ठीक है, ब्लड बॉर्न डिजीज जो है, जो ये वर्क प्लेस की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, कि वर्क प्लेस अगर ऐसा है कि उसके एनवायरनमेंट में या जहाँ पे वो काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली जो है फूड का काम कर रहा है, थ्रेड का कर रहा है, जहाँ पे स्मोक होगा उसके अकॉर्डिंगली फ्लावर का काम कर रहा, तो पोलन एलर्जी हो सकता है, सीजनल एलर्जी भी हो सकता है। तो इससे आगे ब्लड बॉर्न डिजीज मैंने बताई थी कि ब्लड बॉर्न पैथोजेंस जो हैं वो ब्लड के थ्रू एक दूसरे को कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, ब्लड के थ्रू एक दूसरे को जो है ब्लड बॉर्न पैथोजीन कैसे जाते हैं, ब्लड के थ्रू। अब जब एक बंदा दूसरे को डोनर ब्लड देगा तो उसके ब्लड के थ्रू चले जाएंगे, या हम जो है किसी पेशेंट को चेक करें और उसको कोई डिजीज है तो नीडल स्टिक इंजरी हो जाती है, तो ये ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन है, या एक दूसरे का ब्लड एक दूसरे को लग जाता है या टच कर जाता है, ब्लड जो है किसी को ब्लीडिंग हो रही है और वो डायरेक्ट ब्लीडिंग हमें लग गई है और स्किन पे कहीं पे स्कार आया हुआ है, तो वहाँ पे भी ब्लड बॉर्न, क्योंकि ये डायरेक्ट ब्लड जो है हमारे अंदर इंजेक्ट हो जाना, जिसकी वजह से ब्लड बॉर्न पैथोजीन जो है वो एंटर हो जाने अंडर। वर्क प्लेस रिलेटेड मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स तब होते हैं जब एक लॉन्ग टाइम के लिए एक ही डायरेक्शन में काम किया जाता है, मे बी किसी फैक्ट्री में कोई काम कर रहा है तो वहाँ पे झुक के काम करना है, या साइड पे कोई काम करना है तो वो जो साइडली होगी, जो झुका होगा उसी साइड पे, उस साइड के मसल जो है वो उनमें डिसऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, स्टिफनेस हो जाएगी मसल्स की, और जिसको हम कह देते हैं कि एक साइड खिंचाव पैदा हो गया, वो काम ही नहीं कर रहा होगा और उस साइड पे वो झुका रहेगा। ये स्पाइन में भी हो सकता है, नेक में भी हो सकता है, शोल्डर में भी हो सकता है, लेग्स में भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि वो किस तरह का वर्क प्लेस है उसका। ठीक है, कीमोथेरेपिक जो है, कीमोथेरेपिटिक एजेंट्स, कीमोथेरेपिटिक एजेंट्स जो है वो स्पेशली कीमोथेरेपी की जाती है कैंसर के पेशेंट की। कैंसर के पेशेंट की जब कीमोथेरेपी की जाती है तो ये कीमोथेरेपी क्या है, मल्टीप्लाइकेशन, कैंसर क्या है, मल्टीप्लाइकेशन ऑफ दी सेल। ठीक है, जब सेल की मल्टीप्लाइकेशन होती है तो उस ग्रोथ होती है ना, एक एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है जो कैंसर है, अब उस एक्स्ट्रा ग्रोथ को ख़त्म करने के लिए कीमोथेरेपी की जाती है उसकी। अब कीमोथेरेपी जो है ये मेडिकेशन में भी है और इसमें जो है रेडिएशन भी दी जाती है, दोनों खतरनाक है। अब मेडिकेशन जो दी जाती है वो कीमोथेरेपी का टाइम होता है कि कितनी टाइम तक जो है वो रिपीट करना है उसको,
और वो क्या करती, जो मल्टीप्लाइकेशन ऑफ सेल या ग्रोथ, जो एक्स्ट्रा ग्रोथ है उसको, उस पे जो है इफेक्ट करती है और उसको खत्म करती है उस, ठीक है। और ये जो बंदा लगा रहा होता है, डॉक्टर या नर्स, उसके लिए भी खतरनाक। इसी तरह इसकी रेडिएशंस जो है वो पेशेंट के लिए, पेशेंट को रेडिएशन करते पेशेंट को तो फायदा पहुंच रहा, और या पेशेंट के जो हेल्दी जो टिश्यूज हैं वो भी, या हेल्दी मसल जो है वो भी साथ इफेक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि उसने डायरेक्ट उस ऑर्गन तो को तो टारगेट करना है, साथ में हेल्दी वाले को भी करता, तो उसके तो हेल्दी दोबारा आ जाएंगे, या वो तो है ही पेशेंट। जो डॉक्टर या नर्स या कोई और हेल्थ केयर प्रोफेशनल साथ लगा हुआ तो उस पे भी वो इफेक्ट होगा, और उसके उसके लिए ये बहुत बड़ा डेंजर है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो है, अगर किसी एक स्टूडेंट को आवाज़ नहीं आ रही तो उनके अपने नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है। यहाँ से हमारा माइक ऑन है, यहाँ से आवाज़ आ रही है, बाकी स्टूडेंट को भी आवाज़ आ रही है, ठीक है। जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, आप लोगों ने देखा है कि इन्वायरमेंटली हमारी इन्वायरमेंट में कितनी पोल्यूशन थी जो अल्लाह पाक ने साफ की है। इससे पहले जो है कभी ऐसे नहीं था कि सूरज इतना साफ हो, इतना इन्वायरमेंट कभी साफ नहीं था जितना आजकल है। वो किस लिए कि लॉकडाउन की वजह से। अब लॉकडाउन की वजह से हर चीज़ बंद है, हर चीज़ बंद है, तो क्या है वहाँ पे, ना तो कहीं से स्मोक है, ना स्मोक सबसे ज़्यादा किसकी थी, गाड़ियों की, बेतहाशा गाड़ियों जो चलती हैं, ओवरलोडिंग ऑफ गाड़ियों जो है व्हीकल्स की थी, तो वो आजकल बंद है, जिसकी वजह से स्मोक जो है वो नहीं आ रही, वो धुआं नहीं उठ रहा, और फैक्ट्रीज सारी बंद है जहाँ से स्मोक के चांसेस थे, और भट्टे जहाँ से ईंटें बनाई जाती हैं वो सारे बंद है, जिसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट जो है वो बिल्कुल साफ सुथरा है, ना तो डस्ट उड़ रही है ना स्मोक उड़ रही है। और ये होती है एनवायरनमेंट पोल्यूशन। जब तो इसकी एक लेयर जो है वो जो है हमारी एनवायरनमेंट में जम जाती है, जिसकी वजह से जो है हम, हमारा जो इंटरेक्शन है वो नॉर्मली नहीं होता, और वो जो सूरज और आसमान हमें नजर आना होता है वो पोल्यूटेड हो जाता है। सूरज की शुआएं भी नॉर्मल नहीं पहुंच सकती, चांद की रोशनी नॉर्मली नहीं पहुंच सकती, जिसकी वजह से बहुत सारे, जैसे सूरज की किरणें पड़ती हैं, सूरज की शुआएं पड़ती हैं, तो एक तो विटामिन डी मिलता है हमें, हमें भी मिलता है वो, और जो है फ्लावर्स को मिलता है, प्लांट्स को मिलता है, और ह्यूमन बींग को भी मिलता है, जिसकी हमें बहुत ज़रूरत होती है। पोल्यूशन में वो भी हमें नहीं मिल रहा होता। और दूसरी इन्वायरमेंट पोल्यूशन में जो है वो बैक्टीरिया और वायरसेस जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और बहुत सारी स्किन इन्फेक्शन, बहुत बहुत सारी डिजीज होने के चांसेस होते हैं। वायलेंस, वायलेंस में मैंने कल भी बताया था कि वायलेंस क्यों होता है, जब हम एक दूसरे को जो है पेशेंट से काम नहीं लेते, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते, तो वो क्या होता है, वायलेंस, छोटी सी बात पे एक दूसरे के साथ उलझ जाते हैं। इसकी जो बेहतरीन एग्जाम्पल है वो हमारे मीडिया पे अगर हम देखें तो हमारे वुजरा डेली जो है टॉक कर रहे होते हैं, तो उसमें उनकी वायलेंस, वो 1% भी किसी को जो है बर्दाश्त करने की उनमें हिम्मत नहीं है। इसी तरह हर जो है इंडिविजुअल, हमें अपना एनवायरनमेंट जो है साफ करना है, हमें अपने आप को, एनवायरनमेंट मीन ये नहीं कि एनवायरनमेंट जो है हमारा वो एनवायरनमेंट, वायलेंस भी एनवायरनमेंट में आता है, जो अगर कि हमारा जो इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट है, हम अपने फ्रेंड्स के, अपने पेरेंट्स की, अपने टीचर्स की, अपने वर्क प्लेस के पीपल्स की जो है बातों को जो है पेशेंस से काम लेंगे उनके साथ, तो हमारा जो है वर्क प्लेस का एनवायरनमेंट भी अच्छा होगा, हमारा ऑफिस का एनवायरनमेंट अच्छा होगा, हमारा घर का एनवायरनमेंट अच्छा होगा। जब ये यकीन करो कि जब मीडिया पे कोई डिबेट हो रही होती है तो ये एक शर्मनाक बात होती है, कि जब इंटरनेशनल लेवल से कॉल्स आ रही होती है पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान के लोगों को इतनी तमीज ही नहीं है कि वो एक दूसरे से बर्दाश्त से काम दे, और एक जो है जिसकी वजह से वायलेंस की वजह से बहुत बहुत सारे मसाइल हो जाते हैं। अभी हुकूमत जो काम करती है उससे ओपोजिशन जो है कितनी तनकीद करती है, और अगर ओपोजिशन और हुकूमत दोनों मिलके काम करें तो ये वायलेंस ना हो, और हमारे जो लॉकडाउन है उसमें भी काफ़ी आसानियां हो सकती हैं, जो पेशेंट हमारे आ सकते हैं उनकी रेशो में भी कमी हो सकती है, और हुकूमत और जो है आम पब्लिक उसके लिए भी आसानियाँ हो सकती हैं। जी,
नेक्स्ट ये हमारा है कि सेफ्टी हमने अपने आपको कैसे कर दी है और इन्फेक्शन कैसे होता है और डैमेजेस कैसे करते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, इसी में इन्फेक्शन कंट्रोल है। इन्फेक्शन कंट्रोल जो है इसमें पैथोजेनेसिटी, अब इन्फेक्शन ये जितनी भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं जिस पे हमने सेफ्टी करनी है वो मैंने आपको जो है वर्क प्लेस घर से कैसे करना है, वर्क प्लेस के हमने जहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं वहाँ से हमने अपने आप को सेफ कैसे करना, अपने होम से कैसे करना, मैंने लगाया ही नहीं है इनको, वॉइस नहीं जा रही, वो कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही, इसीलिए तो मैं लगाती ही नहीं हूँ जी। तो मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि हम जो है घर में कैसे अपने आप को सेफ रख सकते हैं, हम ऑफिस में कैसे सेफ रखते हैं, हम नॉर्मल एनवायरनमेंट में, मेरी आवाज आ रही है प्लीज टाइप किया, वो कह रहे हैं वॉइस नहीं आ रही, वॉइस नहीं आ रही, क्लियर टाइप स्टार्ट हो रही है। स्टूडेंट्स आपको मेरा लेक्चर सुनाई दे रहा है? स्टूडेंट्स आर यू विद मी? आपको मेरा लेक्चर सुनाई दे रहा है तो आप ओके जो है, एक आध स्टूडेंट कर रहा है बाकी बाकियों ने मुझे मैसेज किया था कि ओके मैम। स्टूडेंट्स आपको अगर मेरी आवाज आ रही हो तो आप ओके का मैसेज लिखे। अब जिस मैंने स्टूडेंट फॉर्म किया कि ये सब स्टूडेंट्स के साथ में उनका अपना प्रॉब्लम है इसका, बच्चों एक दो स्टूडेंट्स का ये है कि उनको जो है आवाज नो वॉइस मैम आवाज नहीं आ रही, मैं बोल रही हूँ मेरी आवाज आपको क्यों नहीं आ रही बच्चों? जी यस मैम, बहुत सारे स्टूडेंट का यस मैम आ रहा है, इट मीन्स कि ये आपके अपने नेटवर्क का प्रॉब्लम है। ठीक है, अब मैं आपको इन्फेक्शन कंट्रोल का बता रही हूँ। पहले मैंने आपको बताया कि होम हैजर्ड क्या होते हैं। ठीक, यस मैम की आवाज आ रही है, जो एक दो स्टूडेंट को मेरी आवाज नहीं आ रही हूँ कि आपने नेटवर्क का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अब जो है मैंने आपको बताया कि हाउसेस पे होम्स कैसे अपने आप को बचाना है और कौन से हैजर्ड्स हो सकते हैं, वर्क प्लेस में कौन से हैजर्ड्स हो सकते हैं, या फिर इन्वायरमेंट में कैसे हैजर्ड्स हो सकते हैं, या फिर ओल्ड एजेस के अकॉर्डिंगली कौन से हैजर्ड्स हो सकते हैं और उससे अपने आप को कैसे सेफ रखना है। आज मैं बात करूंगी कि इस हैजर्ड्स में जो है हमारा इन्फेक्शन कंट्रोल भी है, जो इन्फेक्शन है वो भी हमारे हैजर्ड्स पे आता है कि रोजमर्रा जो हम काम करते हैं तो उसमें जो है इन्फेक्शन कैसे कॉज हमारे पे जो है डिजीज आती है, इन्फेक्शन कैसे इफेक्ट करते हैं हम पे। पैथोजेनेसिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस डिजीज। जी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब तक वो पॉइजनिक नहीं होता, पैथोजेनेसिटी उसमें नहीं होती, तो वो डिजीज नहीं काज करता। अगर चुप करके कहीं पे बैठा रहता है तो वो डिजीज काज नहीं करता। अब पैथोजेनेसिटी जो है वो पैथोजीन, जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो डिजीज को प्रोड्यूस करना स्टार्ट करता है,
शुक्र है मैं पास हूँ। ठीक हो गया। इसको हमने 2 घंटे से पहले रेंट को छेड़ने नहीं था। चलिए अब बात करें। फिर चला गया चार्जिंग पे, एक्टिव कर लिया आप, कर लिया फिर इशू आ जाना है ना। यस हो गया। अपना वेबिनार खोले ना, अब ये चल रहा है आपका वेबिनार। अब मैं चार्ज देखते मैडम कर लूँ। होगी ये क्या आ गया, ये तो मेन है ना, इसको मिनिमाइज कर दे। ये आपका लेक्चर। लेक्चर तो आ रहा है मैडम। ये लेक्चर आपने खुला हुआ, जल्दी करें, आवाज़ें जा रही हैं हमारी। दूसरा लेक्चर अपनी चार्जिंग जा कर वो भी चला गया सारा। तो फिर आपने कैमरा माइक ऑफ कर दिया। मैडम उसको ऑन करें तो पहले चल रहा है आपकी वीडियो फायरफॉक्स वाली, करें ऑन। वो भी सारे मतलब सारा कुछ छोड़ गया उसने, कहाँ से गया है? ये आ रहा है। हाँ इसको ये इसको माइक पे ऑफ करें। स्टूडेंट्स आपको मेरा लेक्चर अब नजर आ रहा है? स्टूडेंट्स आर यू विद मी? मुझे कोई इस पे करने नहीं ना देता, जब भी मैं करती हूँ ऑफ करवा देती हूँ। यस बच्चों, यस आई एम विद यू। जी पैथोजेनेसिटी के मैं आपको बता रही थी कि एबिलिटी टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस डिजीज। अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहीं पे अंदर एंटर हो जाता है और वो डिजीज काज नहीं करता तो वो कुछ भी नहीं होता। अगर वो पैथोजेनेसिटी उसमें होती है और वो डिजीज को प्रोड्यूस करता है तो उसको पैथोजेनेसिटी कहते हैं। ठीक है, डिजीज जो को जब प्रोड्यूस करेगा तो उसको पैथोजीन कहेंगे फिर। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर वो अंदर एंटर हो जाता है तो वो कुछ भी नहीं कहता जब तक वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होता है, जब तक वो डिजीज को प्रोड्यूस ना करे। जब वो डिजीज को प्रोड्यूस करता है पैथोजेनेसिटी उसको कहते हैं। ठीक है, पैथोजेनेसिटी जैसे एक इसकी एग्जांपल एक बीड्स की लगा लें। बीड जो वो काटती है अगर ऊपर हमारे जिस्म पे बैठते हैं तो कुछ भी नहीं होता, जब तक वो काटेगी नहीं। ठीक है, तब तक हमें इन्फेक्शन नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पैथोजीन जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है अंदर पड़े हुए, जब तक वो डिजीज प्रोड्यूस नहीं करेंगे, पैथोजेनेसिटी इसी को बोलते हैं, तब तक हमें कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस डिजीज आर कॉल्ड पैथोजीन। जब ये डिजीज को प्रोड्यूस करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट इज कॉल्ड पैथोजीन, तब ये पैथोजीन बन जाते हैं। जब ये पैथोजीन बनते हैं तो डिजीज बंद हो जाती है। ठीक है, इन्फेक्शन इज एन इन्वेजन एंड मल्टी प्लाइकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दीट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड इन्फेक्शियस एजेंट। अब जिस चीज ने इन्फेक्शन फैलाना है दैट इज कॉल्ड एजेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे एजेंट है। ठीक है, अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब पैथोजीन बना, पैथोजेनेसिटी इसमें आ गई तो दैट इज कॉल्ड पैथोजीन, और इसमें इसने डिजीज को प्रोड्यूस कर दिया। अब ये डिजीज क्या है? इन्फेक्शन। ठीक है, इन्फेक्शन इज एन इन्वेजन एंड मल्टीप्लाइकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब ये क्या करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मल्टीप्लाई कर रखते जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। मल्टीप्लाइकेशन ऑफ दी जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती जाएगी, दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीज। अब मैं आज आपको ये बता रही हूँ कि डिजीज कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो डिजीज को कैसे जो है बनाते हैं। पहले तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से एंटर हुए,
फिर वो पैथोजेनेसिटी उसमें आई, फिर उनका उनका नेम चेंज हो गया पैथोजीन, फिर उन्होंने इन्फेक्शन फैलाना शुरू हो गया कर दिया। जब इन्फेक्शन क्या है, मल्टीप्लाइकेशन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है मल्टीप्लाइकेशन हो के, जैसे आप लोगों ने माइक्रो बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि उनकी कॉलोनीज बन जाती हैं, जब उनकी कॉलोनीज बन जाती हैं तो दिस कॉल्स कॉल्ड इन्फेक्शियस एजेंट, क्योंकि इन सब ने हमें आप क्या करना है, हार्म पहुंचाना है, इन्फेक्शन फैलाना है, ठीक है, डिजीज काज करनी है। नेक्स्ट क्या है कि इन्फेक्शियस एजेंट दैट आर कैपेबल ऑफ बीइंग ट्रांसमिटेड टू अ क्लाइंट आर आल्सो कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेस। अब ये एजेंट जो है बैक्टीरिया वायरसेस, जिन्होंने मल्टीप्लाइकेशन कर ली हुई है और अंदर जो है एक कॉलोनीज बना दी, कॉलोनाइजेशन जो है एक जमा होके काफी, एक जिसको कहें कि एक जमघट्टा, काफी ज्यादा गुच्छा बन गया उनको, तो ये ट्रांसमिट करते हैं एक से दूसरे इंसान को, ठीक है। फिर ये क्या करते हैं, इन्फेक्शियस एजेंट दैट आर कैपेबल ऑफ बीइंग ट्रांसमिटेड टू अ क्लाइंट आर आल्सो कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज, और ये फिर जो है इन्फेक्शियस एजेंट एक से दूसरे को ट्रांसमिट होते हैं, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेबल एजेंट, ये कम्युनिकेबल डिजीजेस को कॉज करते हैं। फिर कॉलोनाइजेशन इज द मल्टीप्लाइकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑन और विद अ होस्ट दैट डज नॉट रिजल्ट इन अ सेलुलर इंजरी। अब इसमें मैंने बताया था कि इसमें कोई इंजरी नहीं होती, जब कोई एक बैक्टीरिया वायरस हमारे अंदर जाता है तो वो जो है मल्टीप्लाइकेशन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करता जाता है, उस मल्टीप्लाइकेशन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इतना बड़ा जो है एक क्लस्टर बन जाता है, दैट आर कॉलोनाइजेशन, ठीक है, और वो फिर एक से दूसरे में कन्वर्ट करता है और डिजीज काज करता है, डिजीज एक ऑर्गन की है या पूरे जो है बॉडी में जो है पूरे सिस्टम में डिजीज काज कर देता है, फिर एक से दूसरे को डिजीज काज करता है, तो दैट इज कॉल्ड डिजीज। फ्लोरा, फ्लोरा आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑन द ह्यूमन बॉडी, रेजिडेंट फ्लोरा, ट्रांजिएंट फ्लोरा। आपको ये जो चीजें मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये सारे पढ़े होंगे माइक्रोबायोलॉजी में। अब इसमें फ्लोरा की बात होती है, दैट इज द नॉर्मल फ्लोरा जो हमारे ह्यूमन बॉडी में होता है, ठीक है। ये जो है अगर देखा जाए तो 100 जो है मिलियन भी नहीं, बिलियन भी नहीं, ट्रिलियन जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नॉर्मल फ्लोरा जो है हमारी इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद होते हैं। फ्लोरा जो है नॉर्मल फ्लोरा जो हमारे डिफेंस मैकेनिज्म भी जिसको कहते हैं, जो हमारे बॉडी पे, स्किन पे, हर जगह पे मौजूद होते हैं, अगर इंटेस्टाइन देखा जाए तो आप स्टडी कर देखना गूगल से कि जो नॉर्मल फ्लोरा है वो 100 ट्रिलियन जो नॉर्मल फ्लोरा है दैट इज प्रेजेंट इन आवर इंटेस्टाइन, जो हमें डिफेंस मैकेनिज्म का काम देते हैं हमारे लिए। और ये जो है रेजिडेंट फ्लोरा जो एक जगह पे ही, नॉर्मल फ्लोरा जो एक जगह पे हमारे हर ऑर्गन में जो नॉर्मल फ्लोराज काम कर रहे हैं, तो वो अगर एक ही जगह पे स्टे किए हुए हैं, जो उसका जगह का जैसे जो है हमारे इंटेस्टाइन का फ्लोरा है या स्किन का नॉर्मल फ्लोरा है, तो वहीं पे वो रेजिडेंट करेगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल फ्लोरा और रेजिडेंटल फ्लोरा, ठीक है। जब ये ट्रांसमिट करता है एक जगह से दूसरे जगह पे जो है शिफ्ट हो जाता है, ट्रांजिट हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड ट्रांजिट फ्लोरा। अब ये नॉर्मल फ्लोरा हमारे डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है जब ये प्रेजेंट होता है अपनी नॉर्मल साइट पे, जब ये अपनी नॉर्मल साइट पे प्रेजेंट नहीं होता, ट्रांजिट होता है एक ऑर्गन से दूसरे पे, एक जगह से दूसरी जगह पे, तो ये समटाइम नॉर्मल फ्लोरा ही हमें जो है पैथोजीन बन जाता है हमारे लिए, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, मैं देख रही हूँ आपके जो कमेंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है, यू आर विद मी, थैंक यू। चेन ऑफ इन्फेक्शन, एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट। चेन ऑफ इन्फेक्शन आप यहाँ पे बता रही हूँ, जैसे मैंने मेरा जो लेक्चर मैं आपको डिलीवर कर रही हूँ 3 दिन से, वो है सेफ्टी एंड जो है जो हमारे हैजर्ड्स कैसे होंगे, जो हैजर्ड्स रोजमर्रा जिंदगी में हमारे वर्क प्लेस में, होम में, इन्वायरमेंट में, ठीक है,
और उनको जो है साथ साथ मैनेज कैसे करना। मैंने एक एक चीज आपको डेली बताती जा रही हूँ, जितनी मेरे मेरी स्लाइड डेली मैं तकरीबन 12-15-20 स्लाइड जितनी बताती हूँ उसमें मैं एक एक करके आपको कि होम में कौन से हैजर्ड्स आ सकते हैं और उनको कैसे मैनेज करना है, ऑफिसेज में कैसे आते हैं तो उनको मैनेज कैसे करना है, वर्क प्लेस में कौन से हैजर्ड्स आ सकते हैं उनको कैसे मैनेज करना है, अकॉर्डिंग टू एज कैसे हैजर्ड्स आ सकते हैं उनको कैसे मैनेज करना है। तो इसी तरह से मैं आपको आज जो है चेन ऑफ इन्फेक्शन बता रही हूँ। चेन ऑफ इन्फेक्शन जो है इसमें कैसे जो है इन्फेक्शन कॉज करता है एजेंट। एजेंट मैंने बताया कि जो हमारे इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है जब वो इन्फेक्शन कॉज करते हैं, इन्फेक्शन कॉज करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एजेंट, जिसका हमें जो बैक्टीरिया वायरसेस जो हमारे अंदर एंटर हो जाते हैं वो पैथोजेनेसिटी उसमें आ जाती है और वो डिजीज काज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एजेंट। ठीक है, अब होस्ट क्या है, जिनको होस्ट हम हैं जिनको उन्होंने डिजीज काज करनी है। ठीक है, एजेंट, होस्ट एंड इन्वायरमेंट। अब हमारा इन्वायरमेंट जो है उससे भी हमें डिजीज कॉज होती है। ठीक है, अब होस्ट क्या है जिसको डिजीज कर दी, वो ह्यूमन बींग है जिसको जिसमें जो है डिजीज होना है। डिजीज किसने करना है, ये दो चीजों के दरम्यान में, एक तो एजेंट है जो हमारे बैक्टीरिया वायरसेस जो है जिनमें पैथोजेनेसिटी उन्होंने कॉज कर ली और अब वो डिजीज ही कॉज करेंगे। ठीक है, दूसरी चीज इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट में सो मैनी इन्फेक्शन इन आवर इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट में हमने ये देखना कि हमारी इन्वायरमेंट इसकी इसकी अगर हम एग्जाम्पल लें तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर आ सकती। एक तो हमारा इन्वायरमेंट क्लियर नहीं होगा, ठीक है, और अगर दूसरी हम इन्वायरमेंटली चीज देखें तो हमारे फूड और जो वाटर हम ले रहे हैं वो नॉर्मल नहीं है। ठीक है, उसमें कोई बैक्टीरिया वायरसेस होंगे ना, तो हमारी इन्वायरमेंट क्लीन है ना फूड वाटर और हमारे साथ में नेबरिंग में या हमारे इर्द गिर्द जो वर्क प्लेस में रहने वाले लोग हैं किसी ना किसी को इन्फेक्शन होगा जिसकी वजह से जो है हमें भी डिजीज होने का खतरा होता है। ये चीज है एजेंट, इन्वायरमेंट और इनके दरम्यान में क्या है होस्ट जिसको डिजीज होना है। इसमें बायोलॉजिकल एजेंट जिसकी मैंने बहुत अच्छी आपको एग्जांपल दी है कि बायोलॉजिकल एजेंट को मैंने अपनी जो है लास्ट 3/4 जो स्लाइड थी उसमें मैंने बायोलॉजिकल एजेंट बताया जिसमें जो है बायोलॉजिकली हार्म पहुंचाया जाता है। जैसे आजकल जो है वायरसेस है, आजकल जो वायरसेस हैं कोरोना वायरस वो जो है वो बायोलॉजिकल एजेंट है जो इंसानों को ह्यूमन बींग को जो है इफेक्ट कर रहे हैं। अब उस या तो उनको इल कर रहे हैं, सिक कर रहे हैं या फिर उनके में उनकी डेथ कर रहे हैं। अब बायोलॉजिकल एजेंट को मैंने 3 जगहों पे कैटेगराइज किया जाता था। बायोलॉजिकल एजेंट में मैंने आपको बताया था कि इसकी कैटेगरी 3 है, नंबर 1 कैटेगरी एंड नंबर 2 बी एंड सी, ए बी सी 3 जो है मैंने कैटेगराइज किया था बायोलॉजिकल एजेंट को। और उसमें जो है एक कैटेगराइज में मैं बताया था कि जैसे कोरोना वायरस है, एक कैटेगरी में जो है वायरसेस जो है वो बहुत खतरनाक किस्म के होते हैं, उसमें जो है इंटरनेशनल लेवल पे ग्लोबली जो है ये इन्फेक्शन को कॉज करते हैं जिसमें जो है डिजीज और डेथ रेट के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। दूसरी चीज मैंने यहाँ ये बताई थी कि ये पैनिक होता है इसमें, जैसे मैंने आपको पाकिस्तान की एग्जाम्पल दी थी कि पाकिस्तान में अगर इसकी रेशो देखी जाए तो हमारे 27-28 जो है बिलियन जो है पॉपुलेशन में से अगर इसकी रेशो देखी जाए 5-6 हजार लोगों को है तो ये 0.5 भी नहीं बनता। मैम ठीक थोड़ा है, पॉज भी दे रही हूँ पॉइंट उनको, थ्री जो उनसे है टॉक करें कि आप यहाँ मैं पे कर रही बात हूँ। करें। यस मैम का वो कह रहे हैं वो स्टूडेंट्स हमारे आर यू स्कूल, विथ मी, वो कह रही थी स्टूडेंट्स आपसे कि आप लेके आप टाइप करें इधर, वो बार बार वहां मेरे जान खाई मेरी रही थी। आवाज भी पहुंचती है टाइप करने में, मैं जितने टाइम लगा रही हूँ उतने में मैं बोल के बताती हूँ फौरन मेरा उनका यहाँ से मैसेज आपको आता है। नजर आ जाएगा, मैं उधर तो आप जाओ ये देखें 1000 मैंने मैसेज किए हैं 35 मिनट में, देखना इसी की यहाँ दोबारा आई हूँ कि मैं देख के आऊँ ये स्टूपिड जोड़ कर हो रहा है। ये देखिए मैम बहुत प्रॉब्लम है ना वॉइस का, 9:30, 9:35 लास्ट अभी का मैसेज टाइम है। हाँ वही टाइम है अभी 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 आया, अभी आया, मैं इसलिए दोबारा उठ के आई हूँ आज मैम कनेक्ट मुझे का भी इशू नहीं आया। देखिए नेटवर्क मैम का उनका अपना प्रॉब्लम है। यस मैम का मैसेज आ रहा जो कर रहे हैं ना
उनको अपने घर पर फुल प्रोसेस ठीक हो गया, बस मैंने यही ठीक हो गया जी बेटा। कुछ स्टूडेंट्स का नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा था, उनके मैसेजेस यही आ रहे हैं कि आपकी आवाज़ नहीं आ रही, जिसकी वजह से मैं भी फिर डिस्टर्ब होती हूँ। हमारा लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा होता है और उसकी रिकॉर्डिंग ख़राब हो जाती है जब बार बार हम आपको टाइप कर रहे हैं और आपके मैसेजेस आ रहे हैं नो मैम नो मैम। ये जो नो मैम वॉइस नहीं आ रही, उनके अपने नेटवर्क प्रॉब्लम्स है। यहाँ से हमें प्रॉब्लम का फौरन पता चल जाता है जब हमारा नेटवर्क प्रॉब्लम होता है। मोस्टली स्टूडेंट जो है उनके ओके के मैसेज आ रहे हैं। ठीक है, अब मैं अपना लेक्चर कंटिन्यूसली कर रही हूँ। देखो कि जब मैं पढ़ाती हूँ एक स्लाइड को, मैं तीन तीन चार चार दफा भी बोलती हूँ। फिर से आप लोगों की जब ये आता है कि जी एक स्टूडेंट या दो स्टूडेंट मैसेज कर देते हो कि मैडम हमें आवाज नहीं आ रही, तो हम उस स्लाइड को दोबारा से रिपीट कर रहे हैं। तो जो हमारा एक कांस्टेंट है पढ़ाने का, वो अच्छी तरह से हम जो है हम नहीं कर पा रहे होते। ठीक है, अब बायोलॉजिकल एजेंट मैं बता रही थी कि बायोलॉजिकल एजेंट जो है उसको थ्री पार्ट में डिवाइड किया गया। कैटेगरी ए, कैटेगरी ए जो है वो मैंने आपको ये कल भी डिस्कस किया था कि ये वेरी फास्टली जो है इफेक्ट करता है। इसमें जो वायरसेस बैक्टीरिया बना के ग्लोबली जो है वो इन जो है प्रोड्यूस करके तो ग्लोबली जो है इंजेक्ट कर लिए जाते हैं। ठीक है, पूरे में इसका पैनिक फैल जाता है। अब जैसे आजकल कह रहे हैं, और इसका जो डेथ रेट भी ज्यादा होता है और इसकी डिजीज भी ज्यादा होती है। बायोलॉजिकल एजेंट की बात कर रही हूँ। और इसकी सेकंड कैटेगरी जो है उसमें जो है मीडियम जो है जो मिडल टाइप का होता है, मीडियम टाइप का, इस तरह जिस तरह अब आजकल है इस तरह का नहीं होता। ठीक है, कैटेगरी जो है, अब कैटेगरी बी देखा जाए तो उसमें डेथ रेट भी इतने नहीं होते जितने आजकल हो रहे हैं। और कैटेगरी सी जो है इसमें पैथोजीन जो है बैक्टीरिया वायरसेस जो है इनको जो प्रोड्यूस करके रख लिया जाता है। ठीक है, प्रोड्यूस करके रख लिया जाता है और उन्होंने एक जो है प्लान किया होता है कि इसका इफेक्ट किसको देना है। ठीक है, किसको डेंजर करना है, हमने ग्लोबली करना है या किसी एक कंट्री को करना है या कंट्री में किसी एक सिटी को करना है। तो फिर जब उनका दिल करता है, कैटेगरी सी की बात कर रही हूँ बायोलॉजिकल एजेंट की, तो वो वहां पे उस एरिया में उस जो है अपना जो प्रोड्यूस किए होते हैं बायोलॉजिकल एजेंट, ठीक है, उनको इंजेक्ट कर देते हैं या किसी ना किसी तरीके से जो है फैला देते हैं। फिर केमिकल एजेंट, केमिकल एजेंट वो एजेंट है जो केमिकली कोई भी केमिकल जो है वो या तो हार्म पहुंचाने के लिए किसी के ऊपर डाल दिया जाता है या केमिकली जो है वो नुकसान पहुंच जाता है। ये हॉस्पिटल में भी हो सकता है या फिर जो है वो खुद से भी किसी के ऊपर केमिकल डाल के उनको नुकसान पहुंचाया जाता है। इसकी भी रेंज जो है ये ज्यादा हार्मफुल है। ठीक है, बायोलॉजिकल। अब केमिकल तो किसी के पास इतना नहीं होगा कि वो पूरे कंट्री या ग्लोबली जो है केमिकल डाल दें। ठीक है, फिर फिजिकल एजेंट, फिजिकल एजेंट की मैं बात कर रही थी आपको कि रोजमर्रा जिंदगी में जो हमारे जो है हमें दिखती है चीजें। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि बर्न हो सकता है, जैसे मैंने बताया था कि वूंड हो सकता है, जैसे मैंने बताया था कट लग सकता है। फिजिकली जो चीजें हमें नजर आ रही है, कोई चीज घर में पड़ी हुई, जो हॉस्पिटल में पड़ी हुई, जो सामने जो हमारी रस्ते में आती है, जिस तरह मैंने बताया था कि वो एक क्लस्टर बना दिया जाता है चीजों का और एक जगह रख दिया जाता है, तो अकॉर्डिंग टू एज, इसमें छोटी एज के बच्चे या बड़ी एज के जो है हमारे जो रिस्पेक्टिव सिटीजन्स वो टकरा सकते हैं और वो उस उन्हें इन फिजिकल चीजों से नुकसान पहुंचता है। अब ये चीजें जो सुसेप्टिबल होस्ट, ये आपने माइक्रोबायोलॉजी में भी चीजें पढ़ी हुई हैं, होस्ट एजेंट एंड एनवायरनमेंट पढ़ी होंगी बेटा आपने, और जैसे मैंने पैथोजीन पैथोजेनिसिटी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सारी चीजें आज आपको बता रही हूँ। इसमें सुसेप्टिबल होस्ट और कंप्रोमाइज्ड होस्ट दो मुख्तलिफ चीजें हैं। सुसेप्टिबल होस्ट वो होस्ट होता है जिसमें जो है इम्यूनिटी कम है। ठीक है, सुसेप्टिबल जैसे आजकल कह रहे हैं ना कि जी कोरोना वायरस जो है वो या तो बच्चों को होगा या ओल्ड एज के जो है ओल्ड एज में, क्योंकि ओल्ड एज वाले जो है सेप्टेबल होते हैं, और इसलिए क्योंकि उनमें इम्यूनिटी कम होती है। दूसरा जो वो जो है अपनी जो है खाना भी सही नहीं खा रहे होते। ठीक है, उनके टिश्यू और मसल्स और इम्यूनिटी भी जो है वो इतनी अच्छी नहीं होती जिस तरह यंग की होती, ऐसे ही बच्चों में। ठीक है,
तो उसको बोलते हैं ससेप्टिबल होस्ट, जिसपे रिस्क फैक्टर्स ज्यादा होते हैं दूसरे लोगों की निस्बत। ठीक है, जैसे जो है हमारे मीडिया में पा रहा था कि बहू को बाहर ना निकलने दे, बच्चों को बाहर ना निकलने दे, और यंगेस्ट जो है उनको कुछ नहीं कहेगा। यंगेस्ट इसलिए बाहर ना निकले कि जब किसी यंगेस्ट को होता है तो उसको डिजीज नहीं होती, ठीक है, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। तो वो क्या हो जाता है, कैरियर, उसके अंदर वो जर्म्स चला जाता है। जैसे कोरोना वायरस कहते हैं जी, यंगेस्ट को कुछ नहीं कहेगा, कोरोना वायरस यंगेस्ट को वाकई कुछ नहीं कहेगा अगर वो हेल्दी वेल्दी है, अगर उसको कोई भी पहले डिजीज नहीं हो, उसकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है। तो वो क्या होगा, जो उसके अंदर बैक्टीरिया या वायरस यंगेस्ट के अंदर चला गया तो वो उसको फिर कैरियर कहेंगे। उसको कुछ नहीं होना, उसको ये भी नहीं पता होना कि मेरे अंदर कोरोना वायरस है, उसको ये भी नहीं पता होना कि मेरे अंदर कोई ऐसा बैक्टीरिया या वायरस है, क्योंकि उसको कोई साइन सिम्टम जाहिर नहीं होगा, उसकी इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है जो उसको डिजीज नहीं होने देगा। अब वो होगा कैरियर, ऐसे बंदे को कैरियर बोलते हैं। ठीक है, अब जब वो अपने घर में जाएगा, घर में जब बच्चे या जो है ओल्ड एज के पीपल तो मौजूद होंगे, वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को वो डिजीज, जब ग्रैंड पेरेंट्स उसके साथ बात करेंगे, टच करेंगे, मिलेंगे, ठीक है, या बच्चे बच्चों को गोद में उठाएगा, बच्चे टच करेंगे, मिलेंगे, ठीक है, तो वो जो डिजीज है, वो जो एजेंट था, ठीक है, वो उसमें उनमें कन्वर्ट हो गया। अब उनमें जब कन्वर्ट हुआ तो उनकी इम्यूनिटी कम होने की वजह से उसने डिजीज कहीं और से ले जाके अपने घर में अपने वालदेन, अपने ग्रैंड पेरेंट्स और अपने बच्चों को दे दी। दैट आर जो है ये सुसेप्टिबल जो थे, सुसेप्टिबल जो थे, उनको कैरियर बन के आके वो चीज जो है इंजेक्ट उनमें कर दी। इंजेक्ट मीन कि वो डिजीज प्रोड्यूस उनमें कर दी। ठीक है, आई होप के बच्चों आपको मेरी बात की समझ आ रही होगी। ठीक है, सुसेप्टिबल का मैंने बताया, कैरियर का मैंने बताया कि क्या होता है। ठीक है, अब कंप्रोमाइज्ड होस्ट, कंप्रोमाइज्ड होस्ट वो है जिसमें बैक्टीरिया या वायरस एंटर तो हो जाता है बट उसको डिजीज नहीं दी, उसके ऑर्गन जो है वो कंप्रोमाइज कर रहे हैं। ठीक है, अब जो जब जब ब्लड सप्लाई की बात करें, को अगर कहीं पे स्टेनोसिस आ जाती है, कोई जो है वेसल्स जो है वो स्टेनोस हो जाती है, तंग हो जाती है, तो ब्लड सप्लाई तो जारी रहती है, उसका वो सिस्टम जो है वो कंप्रोमाइज होता है, वो उसको जल्दी से जल्दी तेज से तेज जो है वो ब्लड पहुंचाने की कोशिश करता है। इसी तरह से जब कोई बैक्टीरिया या वायरस हम बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रोंग होता है, और स्ट्रोंग होने की वजह से उनकी आपस में कह लें कि फाइटिंग हो रही होती है। जो हमारे जो जो बॉडी के अंदर जो हमारे इम्यून सिस्टम है उनकी, ठीक है, इम्यून सिस्टम क्या है, हमारे बैक्टीरिया और वायरसेस हमारे अंदर बैठे हुए, वही हमारी इम्यूनिटी होती है। वो जब बाहर से कोई वायरस या बैक्टीरिया जाता है वो उनको एनगल्फ कर लेते हैं। ठीक है, एनगल्फ करते जा रहे हैं। अब जब एनगल्फ करते हैं तो एक टाइम पीरियड होता है कि उसको फिर जिसके अंदर एंटर हुए उसकी इम्यूनिटी भी अच्छी हो और उसकी डाइट भी अच्छी हो और उसकी जो है प्रिवेंटिव मेजर भी करे, और इस वक्त वो कंप्रोमाइज कर रहा होता। ठीक है, कंप्रोमाइज इसको कहते हैं कि जब बैक्टीरिया वायरस अंदर, जैसे हमें जो है खांसी आ रही होती तो हम फटाफट गर्म पानी पी रहे होते हैं, लेकिन हमें थोड़ी थोड़ी खांसी आती हो, लेकिन हम कंप्रोमाइज कर रहे होते हैं, जो बैक्टीरिया हमारे अंदर जा रहा होता है, हमारे अंदर वाले बैक्टीरिया जो है वो उसको एक तो इनगल्फ डिफेंस कर रहे होते हैं हमारा, और दूसरा हम प्रिवेंटिव मेजर भी दे रहे होते हैं। तो हमारी खांसी या हमें थोड़ा सा फीवर होता है तो हमें लगता है कि फीवर जो है हमें किसकी वजह से हो गया, सोर थ्रोट की वजह से हो गया, लेकिन हमें बहुत ज्यादा फीवर नहीं होता, 2-3 दिन में ठीक हो जाता है। हम क्या करते हैं, सिंपल पैनाडा लेते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म हमारा साथ दे रहा है ना, तो हम उस वक्त कंप्रोमाइज होते हैं, हम गर्म पानी पीते हैं सोर थ्रोट के लिए और कुछ भी नहीं लेते, तो हमारे जो हम उस वक्त कंप्रोमाइज हो रहे होते हैं।
अब ये कंप्रोमाइज एक हद तक होता है, या तो हम प्रिवेंटिव मेजर ले ले तो जो माइनर सा सोर थ्रोट हुआ था वो ठीक हो जाता है, ठीक है, तो क्या होता है हम ठीक हो जाते हैं। अगर हम प्रिवेंटिव मेजर भी नहीं लेते, साथ में डाइट भी नहीं लेते, तो हमारे डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो जो है वर्क करके उनके साथ जो है इनगल्फ कर करके उनके साथ फाइटिंग कर करके एक टाइम ऐसा आता है कि वो कमजोर पड़ जाते हैं। जब वो कमजोर पड़ जाते हैं तो कम्प्रोमाइज बॉडी होती है, वो डिजीज पेशेंट हो जाती है, तो हमें क्या हो जाता है, डिजीज हो जाती है, और हमारे अंदर के डिफेंस में अंदर के जो बैक्टीरिया वायरस है वो कम्प्रोमाइज कर करके काम करके दिन 10 बजे तो अंदर 2 बंदे का मुकाबला कर रहे हैं, तो वो 2 बंदे एक टाइम इतना थके तो वो 2 बंदे भी कहेंगे कि ये खत्म हो जाए तो अच्छी बात है, तो वो बैक्टीरिया या वायरस हमें खुद ही हमारे लिए पैथोजीन बन जाते हैं और वो भी हमें फिर डिजीज काज करते हैं, और जो बाहर से गए हुए होते हैं वो भी डिजीज काज करते हैं। जी, मॉडल ऑफ ट्रांसमिशन, मॉडल ऑफ ट्रांसमिशन, कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन। अब मॉडल ऑफ ट्रांसमिशन मैंने बताया कि बैक्टीरिया वायरसेस जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे बनते हैं, पैथोजेनेसिटी उसमें कैसे आती है, पैथोजीन कैसे बनते हैं, कॉलोनाइज कैसे करते हैं, कंप्रोमाइज क्या होता है, ये सारी चीजें तो हो गई हमारी। अब हमने देखना है मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, ये ट्रांसमिट कैसे कैसे हमारे अंदर हो सकते हैं, ठीक है, ये जिसमें बैक्टीरिया वायरसेस थे वो हमारे अंदर कैसे जाते हैं। नंबर वन तो कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन, ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, ठीक है। अब कॉन्टैक्ट डायरेक्ट, हमने उसको टच कर लिया, डायरेक्ट हमने किसी बच्चे को किस कर लिया, डायरेक्ट हमने किसी को ब्लड दे दिया, डायरेक्ट किसी के अंदर जो है बैक्टीरिया वायरसेस ब्लड के जरिए इंजेक्ट कर दिए, दैट इज ऑल कॉल्ड डायरेक्ट ट्रांसमिशन, ठीक है। डायरेक्ट ट्रांसमिशन होती है या तो हम डायरेक्ट किसी को टच करते हैं या डायरेक्ट हम किसी से जो है किसी को या डायरेक्ट किसी के वूंड है उस वूंड को टच करते हैं, और ये ट्रांसमिशन जो है डायरेक्ट ट्रांसमिशन है, ये ब्लड के जरिए या जो है डायरेक्ट टचिंग की वजह से। इसका भी एग्जांपल मैं आजकल की दे रही हूँ, जैसे कोरोना वायरस जो है उससे डायरेक्ट टच की वजह से हम डर रहे हैं ना कि डायरेक्ट हमारा हाथ किसी के साथ या किसी जो है इन्फेक्टेड पर्सन का हमें ना लग जाए, जब उसका डायरेक्ट हमारे साथ इंटरेक्शन होगा तो ट्रांसमिशन हो सकती है बैक्टीरिया की, ठीक है, बैक्टीरिया और वायरसेस दोनों डिजीजेज की। एयरबोर्न ट्रांसमिशन क्या है, एयरबोर्न ट्रांसमिशन जो जैसे मैंने आप लोगों को कल भी बताया कि एयरबोर्न ट्रांसमिशन वो ट्रांसमिशन है जो हमारे जो है एयर में से एक दूसरे को पहुंचती है। इसकी मैंने एग्जांपल आपको नोजोकोमल इन्फेक्शन की भी दी थी, जो एक पेशेंट को होता है तो वो हॉस्पिटल में वो उस वार्ड में दूसरे पेशेंट को भी अकॉर्डिंग टू एयर हो सकता है। दूसरे एयरबोर्न इन्फेक्शन जो है ये हमारे एनवायरनमेंट में बैक्टीरिया वायरसेस होते हैं जो एक से दूसरे को एनवायरनमेंट के थ्रू हो सकते हैं। तीसरी बात, इसमें ड्रॉपलेट मेथड जो है हम जब किसी के साथ बात कर रहे होते डायरेक्ट टच नहीं करते, लेकिन हमारा डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं था तो उसके मुंह से एक ड्रॉप जो निकलता है और हमारे ऊपर आ जाता है, दैट इज कॉल्ड ड्रॉपलेट मेथड, और उस मेथड से भी जो है हमें इन्फेक्शन हो सकता है। इसीलिए तो आजकल कह रहे हैं कि एक दूसरे से जो है मिनिमम जो है 6 फीट का जो है डिस्टेंस रखो, ठीक है, 6 फुट का डिस्टेंस इसीलिए कहा है कि हम जो कॉन्टैक्ट हमारा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है इसके अंदर ड्रॉपलेट मेथड भी हमें ना पहुंचे ताकि हमें हम इन्फेक्टेड ना हो जाएं, ठीक हो गया। दूसरी चीज डायरेक्ट जो है वो बता दिया मैंने, एयरबोर्न ट्रांसमिशन बता दिया, व्हीकल ट्रांसमिशन जो है, व्हीकल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह व्हीकल के थ्रू पहुंच सकती है। जैसे कोई व्हीकल हम लेके जा रहे हैं तो उसको किसी ने टच कर दिया, उसको किसी ने ड्राइव किया हुआ है, दूसरा हेल्दी पर्सन जब उसको एक इन्फेक्टेड पर्सन ने व्हीकल को इन्फेक्टेड कर दिया, जब दूसरा बंदा उसको टच करेगा उसको ड्राइव करेगा तो उससे भी ट्रांसमिशन हो जाएगी। जैसे आजकल जो है जगह जगह जब हम लोग जा रहे होते हैं तो सिग्नल्स पे रुकते हैं या कहीं पे व्हीकल लेके जाते हैं तो हम वो क्या करते हैं, सबसे पहले जो है पुलिस वाले डोर को जो है एंटीसेप्टिक लोशन से वॉश करवाते हैं, ठीक है,
फिर जब डोर को वो एंटीसेप्टिक लोशन से वॉश करवाते हैं तो उसके बाद डोर खोलते हैं। जब उन्होंने गाड़ी की डिग्गी चेक करनी होती है या बोनट चेक करना होता है तो वो क्या करते हैं, जहाँ से खोलना होता है तो वो उस व्हीकल को पहले जो है एंटीसेप्टिक लोशन से वॉश करते हैं, ठीक है, हैंड सैनिटाइजर से वॉश कर लें या एंटीसेप्टिक लोशन से वॉश करते हैं। फिर वो आजकल जो है बैरियर जहां जहां लगे हैं फिर वो डिग्गी को खोलते हैं या वो बोनट को खोलते हैं, या फिर ये इस तरह से ट्रांसमिशन होती है। इसकी एक और भी एग्जाम्पल है, जैसे एक जगह से दूसरी जगह पे हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं चीजें, तो भी हम व्हीकल के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह, अब जिन लोगों ने लोडेड करनी है चीज की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए, तो उस व्हीकल के अंदर पड़ी हुई चीजें जितनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी है वो जिस पर्सन्स ने उठाई है, जिन वर्कर्स ने उठाई है, मे बी वो इन्फेक्टेड हो, अगर वो इन्फेक्टेड हुए तो उन चीजों को लग जाएगा और व्हीकल को भी लग जाएगा। जब वो कहीं और उन चीजों को डिलीवर करेंगे तो वहां से वो जब जो उतारने वाले वर्कर्स हैं उनको भी हो जाएगा और जहां जहां वो जाएंगे उनको भी हो जाएगा। इसकी एक एग्जाम्पल तो लास्ट टाइम में जो हुआ था डेंगू फीवर, तो डेंगू फीवर में यही जो है बार बार न्यूज में आ रहा था कि डेंगू फीवर जो बाहर से इंपोर्ट की गई है मशीनरी, उस मशीनरी में मोस्टली क्या था, एसी थे और कंप्यूटर सिस्टम थे, और भी बाहर बहुत मुख्तलिफ किस्म की मशीनरीज थी जो चाइना से यहाँ पे आती है, ठीक है, जो चाइना यहाँ से ये मशीनरी आई थी उस मशीनरी के अंदर क्या थे, जो वायरस थे, अब वायरस मॉस्किटो के, ठीक है, अब मॉस्किटो जिसकी वजह से डेंगू फीवर जो है फैला था। अब ये जो है ये बड़ी अफवाह है, जिस तरह आजकल कह रहे हैं जी अमेरिका ने जो है वो कोरोना वायरस फैलाया, तब भी ये कहा जाता था कि डेंगू फीवर जो है वो जो मशीनरी बाहर से आई है उसके थ्रू से जो है मशीनरी के अंदर, एसी के अंदर और फ्रिज जो है वो सेकेंड हैंड से आती है सिस्टम, उनमें वो जो है डेंगू फीवर के मॉस्किटो थे जिसकी वजह से पाकिस्तान में डेंगू आया, क्योंकि उससे पहले यहाँ पे डेंगू नहीं था। ये मैं आपको बेटा एग्जाम्पल दे रही हूँ कि व्हीकल से ट्रांसमिशन कैसे होती है। वेक्टर बॉर्न ट्रांसमिशन, वेक्टर बॉर्न ट्रांसमिशन भी वो ट्रांसमिशन है जो एक जो है कोई ह्यूमन को काटा जाता है, जैसे कोई मच्छर, कोई भी एनिमल जो है, एनिमल का जो है या जो फ्लाइज जो है वो काट लेती है, ठीक है। अब इसी की एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ कि जो मॉस्किटो बाइट करते हैं ह्यूमन बीइंग को और उससे क्या होता है, डेंगू और मलेरिया, ठीक है। अब ये क्या है, वेक्टर बॉर्न डिजीजेस है। इसी तरह कोई और एनिमल या कोई और जो है फ्लाई काट लेता है तो उससे ट्रांसमिशन डिजीज होगी, दैट इज कॉल्ड वेक्टर बॉर्न डिजीज। अबीरा प्लीज इधर का पंखा ऑन कर दो, मैं तो पसीने से भर गई हूँ। जी स्टूडेंट्स आप तो सुन रहे हो, मैं बोल बोल के थक जाती हूँ, मैं बस एक सिप पानी का ले लूँ। जी मैंने आपको बताया कि चेन ऑफ इन्फेक्शन क्या होती है, बैक्टीरिया वायरसेस जो है हाँ हमारे अंदर कैसे एंटर होते हैं, ठीक है। अब कैसे एंटर होते हैं, जी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से एयरबोर्न ट्रांसमिशन हो सकती है, व्हीकल ट्रांसमिशन होती है, एयरबोर्न ट्रांसमिशन हो सकती है। अब इनकी ब्रेकिंग दी चेन ऑफ इन्फेक्शन, इस इन्फेक्शन को ब्रेक डाउन कैसे करना है हमें, ये भी तो नर्स का ही काम है ना कि इसकी चेन ऑफ इन्फेक्शन, या जो हेल्थ प्रोफेशनलिज्म है, जो हेल्थ केयर जो है प्रैक्टिसेस करते हैं उनका काम है कि ब्रेकिंग द चेन ऑफ इन्फेक्शन, चेन ऑफ इन्फेक्शन को कैसे ब्रेक किया जाए। उसको प्लीज बुला दें, वो आमिर या किसी वर्कर को वो आके चला देता है। जी बच्चों मैं आपके साथ ही हूँ, आर यू विद मी। जी मेरी समझ आ रही है बच्चों, आपको आवाज आ रही है। जी ब्रेकिंग कैसे करना, नर्सिस कैन अप्लाई प्रॉपर इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस टू इंटरप्ट द मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है इसको इंटरप्ट करना है हमने, ठीक है। अब इसको इंटरप्ट कैसे करना है, एक तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ना हो,
ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन को। आमिर मैं तो पसीने से भर गई हूँ, मुझे प्लीज पंखा चला दो। यहाँ बहुत गर्मी है जहां मैं बैठी आपको जो है लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ। जी, मैंने बताया था कि चेन ऑफ इन्फेक्शन, एक डायरेक्ट इन्फेक्शन मैंने बताया था, डायरेक्ट इन्फेक्शन है, इनडायरेक्ट इन्फेक्शन है, या ड्रॉपलेट मेथड है, या एयरबोर्न ट्रांसमिशन है, जो किस भी ट्रक को है उसको हमने इंटरप्ट करना है। इंटरप्ट कैसे करना है? हमने नंबर 1 तो डायरेक्ट किसी के साथ कॉन्टेक्ट करने से पहले जो है मास्क लगाना जरूरी है। दूसरी बात कि जब हम उसको टच करना है तो हमारी कोशिश ये हो कि हम पूरे टच ना हो, हमारा पूरा बॉडी उसके साथ टच ना हो, जिस पेशेंट को हमने इन्फेक्टेड पेशेंट को चेक करना है। हमारे सिर्फ हैंड साथ टच, क्योंकि हमने सिर्फ हाथों से काम, ठीक है, और हाथों पे हमने ग्लव्स पहनने हैं। ये क्या है? इंटरप्शन ऑफ द बैक्टीरिया एंड वायरस। जब दो चीजें हमने अच्छे से पहनी, इसलिए हम कह रहे हैं कि जो आजकल कोरोना वायरस के लिए मास्क है वो N90 मास्क है, लेकिन हमें उन मास्क की जरूरत नहीं है, उनको उन मास्क की जरूरत है जो नर्सिस डॉक्टर्स डायरेक्ट उनको जो है चेक कर रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट जिनका हुआ। हमें जो है नॉर्मली सर्जिकल जो मास्क है उनकी जरूरत है, ताकि इन्फेक्शन जो है डायरेक्ट ड्रॉपलेट मेथड, ड्रॉप गिरे तो हमारे मास्क के ऊपर किसी कोई भी हमारे साथ बात कर रहा है। तो दूसरों के साथ टच करने के लिए जरूरी है कि हम ग्लव्स पहने। दूसरी बातें जो है इसको भी एक दफा पढ़ लूं, फिर मैं एक ही दफा बता दूं। The chain of infection can open by the blocking or destroying the agent, blocking the portal of exit and portal of entry by decreasing the host susceptibility. इसी इसको मैं दोबारा को बताती हूँ, इसकी बात अब मैं कर रही हूँ, ठीक है, इसकी बात मैं ये कर रही हूँ। हमें एक तो मैंने बताया कि आप ग्लव्स और जो है मास्क यूज करना है। दूसरी चीज मैंने आपको बताया था कल कि एसेप्टिक टेक्निक यूज करना, यूज करना है, हमने एसेप्टिक टेक्निक यूज करनी है ताकि दूसरों तक इन्फेक्शन ना फैले। अगर एक पेशेंट को इन्फेक्शन था, हमने दूसरे पेशेंट के साथ प्रोसीजर किया, अब दूसरे पेशेंट या तीसरे पेशेंट के साथ प्रोसीजर करने के लिए जाए तो क्या होता है कि हमने अपने इंस्ट्रूमेंट जितने भी है उनको अच्छे से स्टरलाइज करना, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली जो है, इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली हमने इंस्ट्रूमेंट लेके जाने, या इंस्ट्रूमेंट बॉल जिसके अंदर हमने यहाँ इंस्ट्रूमेंट लेके जाने हैं वो अच्छे से स्टरलाइज हो। अगर ट्रॉली को स्टरलाइज किया कि ट्रॉली के ऊपर एक शीट होती है, एक जो है मैकिंटॉश होता है, रबर शीट होती है, वो भी अच्छे से स्टरलाइज हो। रबर शीट के ऊपर जो है वो एक जो है क्लॉथ की शीट होती है, वो भी अच्छे से स्टरलाइज हो, स्टरलाइज हो, माय हैंड स्टरलाइज, ठीक है, और हमने जो ग्लव्स पहने वो भी स्टरलाइज हो, हमने जो मास्क पहना वो भी स्टरलाइज हो, जो हमने गाउन पहना वो भी स्टरलाइज हो, ठीक है। फिर पेशेंट जिसको हमने टच करना, उस पेशेंट के ऊपर स्टरलाइज हमने गाउन पहनाना होता, और उसके ऊपर जो है एक रेन शीट होती है, वो जो शील्ड है उसको भी हमने स्टरलाइज बनानी है, ताकि उसके जो कपड़े क्लोथ पहने होंगे अनस्टरलाइज, तो हमारा पूरा बॉडी उसके साथ टच होना, इसलिए पेशेंट को पूरा कवर कर दिया जाता है किसके साथ, स्टरलाइज शीट के साथ, और उसका सिर्फ वो हिस्सा के ऊपर हमने कोई प्रोसीजर करना हो उसको क्लोज रखा जाता है। इस टेक्निक्स को क्या कहते हैं? एसेप्टिक टेक्निक। और ये क्या है? इंटरप्शन ऑफ द बैक्टीरिया एंड वायरसेस, उसको एक से दूसरे, ठीक है। दूसरी बात है कि हमने ब्रेक द चेन ऑफ इन्फेक्शन में ब्लॉक या डिस्ट्रॉय एजेंट को, जो इन्फेक्शियस एजेंट जिन्होंने जाके इन्फेक्शन लाना है, ब्लॉकिंग द पोर्टल ऑफ एग्जिट एंड एंट्री। अब एग्जिट और एंट्री वो जगह हैं जो इन्फेक्टेड पर्सन जहां से उसने जो है इन्फेक्शन प्लान पर एंटर करना है, उसकी आई के अंदर से जो जो इन्फेक्टेड निकलेगा वो आंखों के अंदर से, अगर वो रो रहा है तो आंसू निकले, ये इन्फेक्टेड पर्सन की बात कर रही हूँ, पोर्टल ऑफ जो है एग्जिट की बात कर रही हूँ, ठीक है। फिर जितने भी ओपन जो है
ओपन ऑरिफिस होते हैं, ठीक है। ओपन ऑरिफिस हमारा क्या है, नोज है, नोज के अंदर से इन्फेक्शन आएगा, माउथ के अंदर से इन्फेक्शन आए, और फिर अगर देखें तो हमारे फीसिस के अंदर से, रेक्टम के अंदर से, ठीक है, फीसिस के अंदर, यूरिथ्रा के अंदर से, यूरिन के थ्रू, अब इन्फेक्टेड पर्सन है उसका वॉशरूम इसीलिए अलहदा होता, ठीक हो गया। अब ये पोर्टल ऑफ एग्जिट, इसी तरह से पोर्टल ऑफ एंट्री, ठीक है, पोर्टल ऑफ एंट्री जो है बाय डिक्रीजिंग द होस्ट सुसेप्टिबल, ये ठीक है। चलो फ्री भी वही है, एक बंदे के एग्जिट हुई तो ठीक है, और दूसरे के एंट्री। अब जितने भी ऑरिफिस है ओपन होंगे, हमारे नोज से, हमारे माउथ से, हमारी आंखों से, यूरेथ्रा से और रेक्टम के जरिए ये बैक्टीरिया और वायरसेस अंदर एंटर होते हैं। इसीलिए जब वॉशरूम जाते हैं तो मैं आपको जब दूसरे लेक्चर देती रही हूँ, मैं आपने बहुत सारे लेक्चर्स में यही भी बताया था कि जो ये बैक्टीरिया और वायरसेस है ये वॉशरूम के अंदर से लोटे के साथ लगे जर्म्स और टूटी, पानी वाली टूटी जिसको हमने हाथ लगा था उसके साथ लगे हुए जर्म्स जो है, जब हमने उसको यूज करना, वो थ्रू जो जब हमने वॉशरूम से वॉशरूम को साफ करना है तो उन ओपन और वजाइना के थ्रू ये इजीली जो है हमारे अंदर जो है बैक्टीरिया चले जाएंगे। और अगर हम एरिया में तो एरिया से इजीली हमारे नोज, माउथ और जो है आईज के थ्रू जो है हमारे अंदर एंटर हो सकते हैं। पोर्टल ऑफ एग्जिट भी वही है, पोर्टल ऑफ एंट्री भी वही है, पर्सन वो एग्जिट करेगा और पोर्टल ऑफ एंट्री जो हेल्दी पर्सन अंदर एंटर होगा तो उसको इन्फेक्शन हो जाएगा। दूसरी जो है राइजिंग द होस्ट सुसेप्टिबिलिटी, अगर किसी सुसेप्टिबिलिटी डिक्रीज होगी तो उसको भी हो जाएगा। इसलिए सुसेप्टिबिलिटी अच्छा करने के लिए डिक्रीजिंग अब है सुसेप्टिबिलिटी, जैसे उसको इम्यून सिस्टम उसका नॉर्मल नहीं है, ठीक है, अब उसको हेल्दी डाइट दीजिए, ठीक है, और उसको अच्छी इन्वायरमेंट में रखा जाए तो ये सारा चेन ऑफ ब्रेकिंग द चेन ऑफ इन्फेक्शन। हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। स्टूडेंट विद मी, मेरी समझ आ रही है आपको? जी, नॉर्मल डिफेंस मैकेनिज्म, इसकी बात तो मैंने जी बेटा, वो थोड़ा सा इंटरप्शन हो गया था। जी, आर यू विद मी स्टूडेंट्स? ओके, यहाँ भी नेटवर्क इशू थोड़ी देर के लिए आया था, सॉर्ट आउट हो गया है, दोबारा से मैं आपको स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। बेटा, हमारी स्किन, मैंने बताया था कि एक तो नॉर्मल फ्लोरा की बात होगी, जो हमारे डिफेंस मैकेनिज्म पड़े हुए अंदर, दैट इज द नॉर्मल फ्लोरा। नॉर्मल फ्लोरा हमारे हर हर ऑर्गन में मौजूद होता है, हमारी स्किन के ऊपर भी होता है और हमारे बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन है उसमें भी होता है। इसकी एक एग्जाम्पल मैंने दी थी कि 100 ट्रिलियन जो है नॉर्मल फ्लोराज हमारी इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद होते हैं, जो हमें डिफेंस मैकेनिज्म का काम करते हैं, ठीक है। और हमारी स्किन जो है हमारी फर्स्ट लाइन जो है डिफेंस मैकेनिज्म है, स्किन के अंदर
से जब तक जो है बैक्टीरिया वायरसेस एंटर नहीं हो सकते, जब तक हमारी स्किन जो है ब्रेक डाउन नहीं होती। ठीक हो गया। जी दूसरी बात है म्यूकस मेम्ब्रेन, स्नीज, कफ एंड टीयरिंग फ्लेक्सेस। अभी मैंने बताया था कि जो है म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन जैसे हमारे माउथ की म्यूकस मेम्ब्रेन है, हमारे नोज के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन है, जब और सीलियास, हमारे नोज के अंदर सीलियास है, वो भी डिफेंस मैकेनिज्म का काम देते हैं, वो क्या कहते हैं बैक्टीरिया और वायरसेस को अंदर नहीं जाने देते। और हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन जो है उनके अंदर वो जो थिक थिक सिक्रीशंस होती हैं उसके अंदर बैक्टीरिया वायरस चिपक जाते हैं। जब हम स्नीज करते हैं तो उस स्नीजिंग के अंदर से जो है वो बैक्टीरिया और वायरसेस बाहर निकल आते हैं। ठीक है। जब हम कफ करते हैं अंदर से गार्गल करके बाहर निकालते हैं तो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ चिपके हुए बैक्टीरिया वायरसेस थिक थिक सिक्रीशन के जरिए हम बाहर निकल आते हैं, जब हम नोज से स्नीज करते हैं या कफ करते हैं। फिर जब टीयरिंग रिफ्लेक्सेस, जब हम टीयरिंग रिफ्लेक्सेस जो चीज़ हमारी आंख में पड़ जाए बैक्टीरिया वायरस, तो क्या होता है फौरन से हमारे जो है आंखों से टीयरिंग होने लगती है, आंसू निकल आते हैं, और उनके ज़रिए अगर कोई जो है बैक्टीरिया वायरस अंदर जाने की कोशिश करता तो वो बाहर आ जाता है। ठीक हो गया। एलिमिनेशन एंड एसिडिटी जो है इन्वायरमेंट, एसिडिक एलिमिनेशन जो है वो एलिमिनेशन जितने अगर कोई बैक्टीरिया वायरस जो है वो हमारे फीसिस और यूरिन के जरिए भी बाहर आ जाते हैं। ठीक है। वो अल्लाह ताला ने एक इतना सिस्टम इंसान को हेल्दी बनाने के लिए एक मशीन बना दिया इंसान को कि जो चीज़ हमने खानी है उसके साथ जो एक्स्ट्रा चीज़ें जिन्होंने हमें हार्म देना है, नुकसान देना है, वो अकॉर्डिंग वो यूरिन और फीसिस के रास्ते बाहर निकल आता है। और हमारा यूरिन एसिडिटी एसिड भी होता है, उस पर माइल्ड सा, उसकी वजह से भी जो यूरिथ्रा और वहाँ पे बैक्टीरिया वायरसेस होते हैं वो उस एसिड की वजह से, एसिडिटिक यूरिन की वजह से ख़त्म हो जाते हैं। और एसिडिक इन्वायरमेंट या जो इन्वायरमेंट जैसे मैंने सूरज की शुआएं भी बताया था उसकी वजह से भी जरासीम ख़त्म हो जाते हैं। जो चंद दिनों धूप ना निकले तो लोग तौबा तौबा करते हैं और अल्लाह ताला से माफ़ियाँ मांगते हैं कि अल्लाह पाक मौसम को अच्छा कर दे, सूरज निकल आए। ठीक है। तो ये क्या होता है हमारी इन्वायरमेंट में जितने जरासीम होते हैं वो इन्वायरमेंट एसिडिक और धूप की वजह से जो है जर्म बैक्टीरिया वायरसेस ख़त्म हो जाते हैं। इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको पढ़ाया था कैमरा ही नहीं ऑन हो रहा। बच्चों मेरी आवाज़ आ रही है आपको? बच्चों मेरी आवाज़ पहुंच रही है आपको? ओके का मैसेज करें। बच्चों आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ओके मेरी पिक नहीं आ रही आप लोगों को? ठीक है। ओके एलिमिनेशन की भी बात होगी, इन्फ्लामेशन। ओके बच्चों इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन क्या है? मैंने आपको जो स्किन मैनेजमेंट पढ़ाया था ना बेड सोर, उसमें मैंने इन्फ्लामेशन बताया था कि इन्फ्लामेशन जो है हमारा डिफेंस मैकेनिज्म कैसे है। जैसे ही कोई वूंड होता है, जैसे ही कोई कट लगता है तो क्या होता है फौरन से वहाँ क्या बन जाता है क्लॉटिंग फैक्टर जो है क्लॉट्स बन जाते हैं। क्लॉट क्यों बनते हैं? जो ब्लड वेसल जहाँ से ब्लीडिंग हो रही थी उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए क्लॉट फौरन एक कैप कवरिंग सी बना देते हैं, उसके ऊपर जो ब्लीडिंग बाहर आनी है वो ब्लीडिंग बाहर नहीं आती। तो उस क्लॉट जो एक ज़ाहिर वहाँ पे वूंड था ना, तो ब्लड वेसल से जो ब्लड बाहर निकल के वेस्ट होना था वो जो है नॉर्मली ब्लड जो है वो इंसान में फ्लो उसका ब्लड का नॉर्मली चलता रहता है। ठीक है।
अगर इन्फ्लामेशन वहां ना, हाँ उसके इर्द गिर्द इन्फ्लामेशन, हमें क्या नजर आता है, इन्फ्लामेशन, रेडिश एरिया हो जाता है और वहां स्वेलिंग होती है. एक्चुअली वो इन्फ्लामेशन जो है वो हीलिंग का फर्स्ट प्रोसेस होता है. फौरन से क्या हुआ था, फौरन से क्लोटिंग फैक्टर ने वहां आके क्लॉट्स बना दिए. ठीक है, क्लॉट्स बन गए, क्लॉट्स का एक कैप जो है वहां वुंड या जो भी आर्टरी वेन जो है ब्लड वेसल जहां से ब्लड निकल रहा था, ब्लीडिंग हो रही थी, वहां क्लॉट बन गया, क्लॉटिंग का एक कैप बन गया और उस कैप के ऊपर इर्द गिर्द क्या हुआ, हमें क्या स्वेलिंग नजर आती है, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लामेशन. रेडिश एरिया को इन्फ्लामेशन एक्चुअली जो हीलिंग का फर्स्ट प्रोसेस होता है वो होता है. ये भी हमारे डिफेंस मैकेनिज्म में आता है कि जैसे ही कट लगा फौरन से क्या हो गया, क्लॉटिंग फैक्टर ने काम कर दिया और वहां पे इन्फ्लामेशन हो गया. इज इट क्लियर बच्चों? डियर मैं आपको बार बार डिस्टर्ब कर रही हूँ. बच्चे कह रहे वीडियो नहीं आ रही, मैडम से कहना कि मैडम रुबीना की तस्वीर उनको नजर नहीं आ रही और बच्चे कह रहे हैं वीडियो नजर नहीं आ रही. ठीक है, यहाँ से वीडियो ऑन है और उनसे कह के उन्होंने ऑफ किया तो उसको ऑफ करना. वैसे स्लाइड नजर आ रही है बच्चों को, सिर्फ आपकी नजर? हाँ, वो चाह रहे हैं कि वीडियो भी नजर आए. ठीक हो गया जी बेटा. स्पेसिफिक इम्यून डिफेंस जो है, इम्यूनिटी जो है हमारे अंदर की इम्यूनिटी वो कौन सी होती है, ह्यूमरल इम्यूनिटी एंड अक्वायर्ड इम्यूनिटी. ठीक है, ह्यूमरल इम्यूनिटी जो है इसमें टू टाइप की इम्यूनिटी होती है, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी. ठीक है, एक्टिव ह्यूमरल इम्यूनिटी जो है इसकी आगे टू टाइप्स है, टू टाइप्स ऑफ ह्यूमरल ह्यूमरल इम्यूनिटी, एक्टिव एंड पैसिव. एक्टिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी है जिसको हम खुद से इंजेक्ट करते हैं. ठीक है, एक्टिव इम्यूनिटी क्या है, जिसको हम खुद से जो है इंजेक्ट करते हैं. जैसे हम सिक्स डिजीज़ के अगेंस्ट जो है एक्टिव इम्यूनिटी को इंजेक्ट करते हैं ताकि डिजीज़ हो ही ना. ठीक है, दूसरी जो है पैसिव इम्यूनिटी होती है. पैसिव इम्यूनिटी टू टाइप की होती है, नेचुरल इम्यूनिटी. नेचुरल इम्यूनिटी जो हमारे जो बॉर्न जो है जब हम पैदा होते हैं तो उस वक्त जो नेचुरली हमारे अंदर इम्यूनिटी होती है, वो इम्यूनिटी कहाँ से आती है, वो इम्यूनिटी हमें अपनी मदर की तरफ से आती है नेचुरली. प्लेसेंटा के थ्रू जो है वो फीटस के अंदर कन्वर्ट होती है, उसको क्या बोलते हैं, नेचुरल इम्यूनिटी. अब नेचुरल इम्यूनिटी जो है एक तो नेचुरल जब बॉर्न पैदाइश के वक्त होती है वो इम्यूनिटी जो माँ के प्लेसेंटा से फीटस में कन्वर्ट हुई थी. ठीक है, ये कौन सी है, पैसिव इम्यूनिटी की बात करें. दूसरी इम्यूनिटी अगर कोई इंटरेक्शन किसी डिजीज के साथ होता है. ठीक है, अब एक उसकी एग्जांपल लगा लें कि एक दफ़ा अगर जो है कोई डिजीज़ हो जाती है, जैसे वूपिंग कफ एक दफ़ा हो जाती है या एक दफ़ा जो है चिकन पॉक्स हो जाता है. ठीक है, इस टाइप की जो डिजीज़ होती हैं एक दफ़ा हो जाए तो उसकी क्लिनिकली जो है इम्यूनिटी जो है ह्यूमन के अंदर डिवेल्प हो जाती है. ठीक है, जब ह्यूमन के अंदर डिवेल्प होती है तो दैट इज़ कॉल्ड नेचुरल इम्यूनिटी, और इस इम्यूनिटी को जो है क्लिनिकल इम्यूनिटी भी बोलते हैं. ठीक है, अब मैंने आपको इम्यूनिटी की टाइप बताई कि ह्यूमरल इम्यूनिटी जो है इट हैज़ टू टाइप्स. अब इसकी जो टू टाइप्स हैं, नंबर वन जो है एक्टिव और दूसरी पैसिव. एक्टिव इम्यूनिटी दैट इज इंजेक्ट फ्रॉम द विद द इंजेक्शन. ये जो है एक्टिव इम्यूनिटी जो हम इंजेक्ट करते हैं, इसमें जो है बैक्टीरिया या वायरस जो है ये लाइव, इसको लाइव अटेन्यूएटेड इम्यूनिटी भी बोलते हैं, क्योंकि ये जब हम इंजेक्ट करते हैं जो एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है, एम्प्यूल की सूरत में, वो क्या होती है, लाइव अटेन्यूएटेड इम्यूनिटी, जिसमें बैक्टीरिया एंड वायरसेस जो है वो लाइव होते हैं और हम उसको इंजेक्ट कर देते हैं ताकि वो डिजीज जो है ठीक हो जाए. ठीक है, और दूसरी जो है जो हमारे अंदर जो है नेचुरल इम्यूनिटी. अब नेचुरल इम्यूनिटी जो है आवाज, जी अब आवाज आएगी, तब मैंने कहा शायद नहीं. जी बच्चों,
नेचुरल इम्यूनिटी एक तो प्लेसेंटा के थ्रू मदर से जो है फीटस में कन्वर्ट हुई थी तो वो वाली, और दूसरी इम्यूनिटी जो है वो क्लिनिकली अगर हमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है, जिसमें मैंने चिकन पॉक्स की आपको एग्जांपल दी है कि जिसको एक दफ़ा चिकन पॉक्स जो है या स्मॉल पॉक्स हो जाता है तो उसके अंदर वो इम्यूनिटी डिवेलप हो जाती है, दैट इज कॉल्ड क्लिनिकल इम्यूनिटी और नेचुरल इम्यूनिटी, नेचुरल इम्यूनिटी। आपने कहा था नहीं देने का इकट्ठा बनाना, अभी एक घंटा हुआ ही नहीं, मुझे तो लगता दो जी। बच्चों मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था, आज मैंने ब्रेक नहीं ली, ठीक है, आज मैंने ब्रेक नहीं ली, मेरा लेक्चर कंटिन्यूसली आप लोगों के साथ चल रहा है। अक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है ये अक्वायर्ड इम्यूनिटी, इसकी भी टू टाइप्स होती है, अक्वायर्ड इम्यूनिटी की भी टू टाइप्स होती है। इसमें भी हम वैक्सीन करते हैं, इसमें हम एंटीबॉडीज जो है वो इंजेक्ट करते हैं। एंटीबॉडीज जो है क्या है, ह्यूमन ग्लोबुलिन के नेम से जो है वो इंजेक्ट करते हैं उन, ठीक है। अब जब ह्यूमन ग्लोबुलिन जो है एंटीबॉडीज उनके अंदर जो है इंजेक्ट कर दी जाती है, दूसरी एंटीबॉडीज जो है वो प्लेसेंटा के थ्रू नेचुरल इम्यूनिटी हमारे अंदर होती है, ठीक है। मैं आपको टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी बता रही थी, नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ द इन्फेक्शियस प्रोसेस। अब स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शियस प्रोसेस मैंने आपको जो है तकरीबन डेढ़ घंटा हो गया बोलते हुए कि इन्फेक्शन कैसे फैलता है और उसको कंट्रोल कैसे करते हैं। अब इसकी स्टेजेस क्या है, टू टाइप्स ऑफ इन्फेक्शियस रिस्पॉन्सेज, टू टाइप के होते हैं इन्फेक्शन, एक लोकलाइज्ड इन्फेक्शन है और दूसरा सिस्टेमिक इन्फेक्शन। लोकलाइज्ड इन्फेक्शन जो है वो सिंगल एक जो है लोकलाइज्ड ऑर्गन में होगा, इज लिमिटेड टू अ डिफाइंड एरिया और सिंगल ऑर्गन विद सिम्टम्स दैट जो है रिसेम्बल इन्फ्लेमेशन, ठीक है। अब एक सिस्टम या एक जो है ऑर्गन जहाँ पे आपको रिसेम्बलिंग नजर आएगी कि इन्फ्लेमेशन होगी, दैट इज लोकलाइज्ड इन्फेक्शन, ठीक है। अब दूसरा जो है सिस्टेमिक इन्फेक्शन अफेक्ट द इंटायर बॉडी एंड इन्वॉल्व मल्टीपल ऑर्गन्स, ये जो है मल्टीपल ऑर्गन या होल बॉडी जो है उसमें इन्फेक्शन होने को सिस्टेमिक इन्फेक्शन बोलते हैं। जी इन्फेक्शन की मैंने आपको टू टाइप्स बताई, एक लोकलाइज्ड इन्फेक्शन जो लोकल एरिया एक ऑर्गन्स में होगा, और सिस्टेमिक इन्फेक्शन मल्टीपल ऑर्गन्स या पूरे सिस्टम में हो जाएगा। फोर स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन, जब इन्फेक्शन होता है तो ये स्टेजेस मैंने आप लोगों को कहाँ पढ़ाई थी बच्चों, जरा रिकॉल करने की कोशिश करें, बच्चों रिकॉल करने की कोशिश करें, ठीक है। अब इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, इंक्यूबेशन पीरियड में क्या होता है कि जब कोई इन्फेक्शन बैक्टीरिया या वायरस अंदर एंटर होते हैं उस डे से लेके साइन सिम्टम अपीयर होने तक के टाइम को इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, ठीक है। अब इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो मुख्तलिफ बैक्टीरिया मुख्तलिफ वायरसेस के मुख्तलिफ टाइम पीरियड होता है, किसी का 4 डेज होता है, किसी का 7 डेज होता है, किसी का 20 डेज होता है, किसी का 15 डेज भी हो सकता है। इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो जब बैक्टीरिया या वायरसेस अंदर एंटर होते हैं वहाँ से लेके साइन सिम्टम अपीयर होने तक के पीरियड को इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। ये इंक्रीज और डिक्रीज भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि इंक्यूबेशन जो
बैक्टीरिया या वायरस जिसको एंटर हुए हैं वो आगे उसका इम्यून सिस्टम कैसा है, ठीक है। अगर तो उसका इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा तो वो कंप्रोमाइज करता रहेगा, साइन सिम्टम अपीयर होने तक वो काफ़ी टाइम लगा देगा। अगर उसका इम्यून सिस्टम ठीक नहीं है तो विद इन जो है वीक, एक वीक के अंदर अंदर उसके साइन सिम्टम अपीयर हो जाएगा। तो जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो डिपेंड करता है इम्यूनिटी पे भी कि इम्यून सिस्टम कैसा है, और डिपेंड करता है कि आगे जो के डिपेंड करता है कि कब एंटर हुए और कब जो है साइन सिम्टम अपीयर हुए। इस टाइम पीरियड को इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। अच्छा, प्रोडोमल पीरियड क्या है? प्रोडोमल पीरियड जो है वो साइन जो है इंक्यूबेशन के फौरन से बाद, जब एक तबीयत सी ख़राब होती है जिसको हम कंप्रोमाइज कहते हैं, कंप्रोमाइज पीरियड वो है जिसमें पता लग जाता है कि समथिंग इज़ रॉन्ग, कि कुछ होने जा रहा है, ठीक है। जैसे हमारा जो है सोर थ्रोट होता है, सीवियर सोर थ्रोट से पहले हमारा गला कुछ कुछ ख़राब होता है, ठीक है। तो हमें समझ में आ जाता है कि मुझे सोर थ्रोट होने वाला है, मेरा गला जो है कुछ ख़राब लग रहा है, मुझे फ्लू होने वाला है और बॉडी के अंदर चेंजेस आनी स्टार्ट हो जाती हैं। दैट पीरियड इज कॉल्ड प्रोड्रोमल स्टेज, ठीक है। प्रोड्रोमल स्टेज दैट पीरियड है कि इलनेस से पहले इनक्यूबेशन पीरियड के दरमियान वाली, जहाँ से साइन सिम्टम अभी फुल से अपीयर नहीं हुए बट कंप्रोमाइज हो रहा है और जो है हमें खुद से पता चल जाता है कि मुझे फीवर होने वाला है, मुझे कुछ डिजीज़ होने वाला है, और वो तबीयत जो है जिसमें कह रहे हैं कि बॉडी एक चीज़ बॉडी जो है पेन इस तरह से होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और जो है जैसे मैंने सोर थ्रोट की भी एग्जांपल दी है कि सोर थ्रोट होना है तो हमें पहले ही पता चल जाता है कि छोटी छोटी स्नीजिंग स्टार्ट हो गई हैं या मेरा गला जो है वो ख़राब होना शुरू हो गया है, ठीक है। तो इस पीरियड को, लेकिन अभी साइन सिम्टम फुल अपीयर नहीं हुए होते, दैट पीरियड इज कॉल्ड प्रोड्रोमल पीरियड, ठीक है। स्टेज इलनेस स्टेज वो स्टेज है जिसमें इलनेस साइन सिम्टम जो है वो अपीयर हो जाते हैं, ठीक है। साइन सिम्टम जिसमें अपीयर हो जाते हैं दैट इज कॉल्ड इलनेस स्टेज, जिसमें सिक हो जाता है, ठीक है। सिक हो जाता है, फीवर हो जाता है, साइन सिम्टम अपीयर हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड इलनेस। अब जो है इसमें जो है कन्वलसेंट स्टेज, कन्वलसेंट स्टेज जो है ये जो दोबारा से रिपेयरिंग की तरफ हम आते हैं, कन्वलसेंट स्टेज, इस कन्वलसेंट स्टेज को जो है एक डिजीज़ हो के बाद में जो है एक नहीं, इसमें मैं आपको यही बताऊंगी कि कन्वलसेंट स्टेज जो है वो रिपेयरिंग की तरफ, जब हम दोबारा से जाना स्टार्ट हो जाते हैं रिकवरी की तरफ, तो दैट स्टेज इज कॉल्ड कन्वलसेंट स्टेज। नोजोकोमल इन्फेक्शन, नोजोकोमल इन्फेक्शन का जिक्र करते हुए तो मुझे 2 दिन हो गए हैं। आई होप कि आपको जो है कनेक्टेड लेक्चर, ठीक है, ठीक है बच्चों, आपको मैसेज जो है मैडम ने भी कर दिया कि आपका टाइम पीरियड जो है 10:45 पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अभी मेरे पास जो टाइम हुआ है वो है 10:25, ठीक है। 10:25 है, 15 मिनट मेरा लेक्चर का टाइम और है आपके साथ। उसके बाद जो मैं कल लेक्चर आपको दूंगी वो मेरा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का लेक्चर नहीं होगा, वो मेरा लेक्चर जो है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1 का लेक्चर होगा। कम्युनिटी में मैंने आप लोगों को जो है यूनिट 1 भी पढ़ा दिया हुआ, उसका टेस्ट भी ले लिया हुआ है, यूनिट 2 भी मैंने पढ़ा दिया अच्छे से आपको, ठीक है, वो भी मैंने टेस्ट ले लिया, यूनिट 3 भी आप लोगों को पढ़ा दिया और उसका टेस्ट भी हो गया हुआ है। अब नेक्स्ट यूनिट आई थिंक के यूनिट नंबर 5 में आपको पढ़ाऊंगी, अब वो है इन्वायरमेंटल हेल्थ। मैं आपकी कल की बात कर रही हूँ बच्चों, कल का मैं आपको बता रही हूँ कि इन्वायरमेंटल हेल्थ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1 जो आपकी, कल मेरा 2 घंटे का लेक्चर आपके साथ 9 से 11 तक होगा, ठीक है।
अभी मैं आप लोगों के लिए मुझे इंस्ट्रक्शन आई है कि मैं आपको अनाउंस कर दूँ, ठीक है। दूसरी चीज़ जो मैं अनाउंस करने जा रही हूँ वो मैडम का भी, आपको मैडम ज़ुबैदा का भी मैसेज मिल गया कि 10:45 AM से लेके 11:40 तक आपकी 15 मिनट तक ब्रेक होगी, ठीक है। मैंने आज आपको ब्रेक नहीं दी है। अब मेरी बात हो रही है, मेरे आपके पास 12-13 मिनट अभी पड़े हुए हैं, मैं अपना लेक्चर कंटिन्यू कर रही हूँ। नोजोकोमल इन्फेक्शन, नोजोकोमल इन्फेक्शन की बातें तो मैं 2 दिन से आप लोगों के साथ कर रही हूँ। आई होप कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि नोजोकोमल इन्फेक्शन क्या है, लेकिन मैं फिर भी रिपीट कर रही हूँ आपको कि ये क्या होता है, नोजोकोमल इन्फेक्शन क्या होता है। नोजोकोमल इन्फेक्शन आर इन्फेक्शन अकर्ड इन दी हॉस्पिटल और अदर हेल्थ केयर फैसिलिटीज, और या फिर कह लें अदर हेल्थ केयर सिस्टम दैट वर नॉट प्रेजेंट और इंक्यूबेटिंग एट द टाइम ऑफ द क्लाइंट एडमिशन। जो भी हॉस्पिटल या हेल्थ केयर सेंटर जहाँ पे हमारा क्लाइंट गया था उसको वो डिजीज नहीं थी, उसको वो साइंस सिम्टम्स नहीं थे, वरनाट, ठीक है। जो हॉस्पिटल केयर जो फैसिलिटीज जहाँ पे हमारा क्लाइंट गया था वरनाट प्रेजेंट और इंक्यूबेटिंग एट द टाइम ऑफ क्लाइंट एडमिशन, तो क्लाइंट के एडमिशन के टाइम उसका इंक्यूबेटिंग पीरियड उस डिजीज में नहीं था जो हॉस्पिटल आके उसको वो डिजीज हो गई है, ठीक है, क्योंकि वो हमारे पास किसी और डिजीज के लिए आया था। और हॉस्पिटल के नोजोकोमल इन्फेक्शन, बहुत सारे इन्फेक्शन जो हॉस्पिटल की इन्वायरमेंट में होते हैं वो आने वाले क्लाइंट को वो इन्फेक्शन भी हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड नोजोकोमल इन्फेक्शन। हॉस्पिटलाइज्ड क्लाइंट आर एट रिस्क फॉर नोजोकोमल इन्फेक्शन बिकॉज द इन्वायरमेंट प्रोवाइड एक्सपोजर टू अ वराइटी ऑफ वायरुलेंट ऑर्गेनिजम्स, वायरुलेंट ऑर्गेनिज्म जो मुख्तलिफ वराइटी ऑफ वायरुलेंट ऑर्गेनिजम्स जो इन्वायरमेंट में मुख्तलिफ किस्म के जो ऑर्गेनिजम्स थे उसके रिस्क फैक्टर होते हैं। जो हमारा क्लाइंट एंटर हुआ था वो एक डिजीज लेके आया था, उसको 2-3 और भी साथ लग गई, दैट इज कॉल्ड नोजोकोमल इन्फेक्शन। जी आगे है मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स। मल्टीपल ड्रग्स रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स हैव डिवेलप इन बोथ हॉस्पिटल एंड लॉन्ग टर्म केयर सेंटर्स। ये जो मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस है, बच्चों आपको मेरी आवाज आ रही है? स्टूडेंट्स आर यू विद मी? जी, मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स हैव डिवेलप्ड इन बोथ हॉस्पिटल एंड लॉन्ग टर्म केयर क्लाइंट्स। इसमें क्या है, मेथिसिलिन रेजिस्टेंस, स्टेप्टोकोकस और एरस। ये जो मेथिसिलिन रेजिस्टेंस जो है एक मेडिसिन जिसको ज़्यादा टाइम के लिए लिया जाता है तो उसकी रेजिस्टेंस हो जाती है। इसकी एग्जांपल उन्होंने मेथिसिलिन की दी है जो हम लॉन्ग टाइम के लिए मेडिसिन लेते हैं, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस जो है अराउज जो इसमें हो जाता है, ठीक है। अब ये जो है एक इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं, अगर हम एंटीबायोटिक एक ले लेते हैं ना, उस एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस हमारे अंदर हो जाती है, और जब हम बैक्टीरिया के लिए दोबारा उस एंटीबायोटिक को देते हैं तो वो एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस हुई होती है तो वो हमारे लिए काम नहीं करती। समटाइम ऐसे ही होता है कि हम हॉस्पिटल जब घर में होते हैं, एक सिंपल जो है एम्पीसिलिन मेडिसिन ले रहे होते हैं या कोई भी एंटीबायोटिक ले लेते हैं, ठीक है, उन्होंने मेथिसिलिन दी है, कोई भी एंटीबायोटिक ले लें और उसको 2-4 दिन के लिए छोड़ दें, जो हमारा अंदर का बैक्टीरिया या वायरस था उसकी रेजिस्टेंस हो गई है, ठीक है। अब हम जब दोबारा उसको छोड़ करके दोबारा के से वो एंटीबायोटिक कुछ दिनों के बाद लेंगे तो उसकी रेजिस्टेंस हुई होगी और पेशेंट को उस मेडिसिन से आराम नहीं आएगा, ठीक है। जब उस मेडिसिन से आराम नहीं आएगा क्योंकि उसकी तो रेजिस्टेंट हो चुकी होती है, हमें उससे कोई हैवी वाली मेडिसिन देनी पड़ती है फिर, ठीक है। तो इसको कहते हैं मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट जो है ऑर्गेनिजम्स। ये मैंने आप लोगों को एंटीबायोटिक की
एग्जाम्पल दे दी है कि अगर कहीं इन्फेक्शन होता है, हम कोई एंटीबायोटिक देते हैं और उस एंटीबायोटिक का टाइम पीरियड पूरा नहीं करते तो और छोड़ देते हैं, उस स्ट्रेफलोकोकस जो है वो उसके अंदर रेजिस्ट हो जाते हैं, उस एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस हो जाती है, उसके अंदर जो पड़े हुए जरासीम है उनकी रेजिस्टेंस हो जाती है, वो और भी स्ट्रांग हो जाते हैं, और दोबारा हम वही एंटीबायोटिक देते हैं कुछ दिनों के बाद, तो उस पेशेंट को आराम नहीं आएगा, हमें कोई एनी अदर स्ट्रॉन्ग जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक या डबल एंटीबायोटिक या ट्रिपल एंटीबायोटिक अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द पेशेंट देना पड़ेगी। ठीक है, विनोमाइसिन रेजिस्टेंट और ट्यूबरक्लोसिस बेसिलाई और क्लोस्ट्रिडियम जो है डेफिसाइल, ये मेडिसिन क्लोस्ट्रिडियम टेटनस की मेडिसिन है, ट्यूबरक्लोसिस टीबी की मेडिसिन है और बेथिसिलिन एंटीबायोटिक है। मैंने आपको बेटा ये बताया कि कुछ मेडिसन्स किसी भी हम चीज़ के लिए ले रहे हैं, टीबी की मेडिसिन लेते हैं ट्यूबरक्लोसिस बेसिलाई, ठीक है, और विनकोमाइसिन, उनकी रेजिस्टेंस हो जाती है और जब हम उसको कंप्लीट टाइम पीरियड पे नहीं लेते। ठीक है, अब हम ले रहे थे टीबी की मेडिसिन तो कुछ दिन लेके छोड़ दी हमने, ठीक है, ये हमने 8 महीने लेनी थी, अगर हम 1 महीना या 2 महीने लेके छोड़ देते हैं तो क्या होगा, उसकी रेजिस्टेंस होगी। एंटीबायोटिक हमने किसी भी इन्फेक्शन के लिए सिंपल किसी फीवर के लिए ली या किसी इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक ली तो उसको हमने 7 डेज लेने की बजाय 3 डेज लेके छोड़ दिया, तो इन मेडिसन्स की जो जिसका हमने टाइम पीरियड पूरा, जिसकी डोज और जिसका टाइम हमने पूरा नहीं किया, उनकी अंदर रेजिस्टेंस हो गई और दोबारा कुछ दिनों के बाद साइंस सिम्टम्स कुछ, वो उस वक्त तो ठीक होना शुरू हो गया पेशेंट, ठीक है। अब लोग क्या करते हैं, मेडिसिन 3 दिन ली, 4 दिन ली, ठीक हो गया, छोड़ दी, उसमें क्या हुआ, साइंस सिम्टम डिसअपियर होना शुरू हो जाते हैं, लोग समझते हैं कि हम ठीक हो गए, या अनएक्सपीरियंस जो है मेडिकल प्रोफेशनल्स वो भी ये समझते हैं जिनको अच्छे से जो है नॉलेज नहीं होता, तो जब वो छोड़ देते हैं क्योंकि साइंस सिम्टम डिसअपियर होने शुरू हो गए थे, तो कुछ दिनों के बाद वही जो है बैक्टीरिया वायरसेस दोबारा से अपियर हो जाएंगे, साइंस सिम्टम अपियर हो जाएंगे और दोबारा से बंदा सोचता है कि जी मैंने फला एंटीबायोटिक ली थी, फला मेडिसिन ली थी, उसके साथ मुझे आराम आ गया था, अब दोबारा से वही जब एंटीबायोटिक या वही मेडिसिन रिपीट की जाएगी तो उसकी रेजिस्टेंस अंदर हो चुकी होगी और उसको आराम नहीं आएगा। ठीक है, अब उसके बदले में कोई दूसरी हैवी किस्म की एंटीबायोटिक, हैवी किस्म सी, उससे हैवी मेडिसिन लेनी पड़ेगी या डबल मेडिसिन लेगी, जैसे हम एंटीबायोटिक देते हैं तो डबल एंटीबायोटिक लेनी पड़ेगी, ट्रिपल एंटीबायोटिक भी लेनी पड़ती है। ठीक है, इसी तरह टीबी की, इसी तरह क्लोस्ट्रिडियम टेटनाई की मेडिसिन, ठीक हो गया, और रेजिस्टेंस नहीं करानी होती, इसीलिए हम जब मेडिसिन देते हैं पेशेंट को तो बच्चों आप लोगों को फोकस करते हैं कि पेशेंट की डोज जो है डेट टाइम डोज ये पूरा होना चाहिए। ठीक है, कि टाइम पे मेडिसिन देनी है और टाइम पूरा करना है, कि अगर 7 डेज देनी है तो हमने 7 डेज ही देनी है, अगर 3 टाइम देनी है आ डे तो 3 टाइम आ डे ही देनी है, 2 टाइम आ डे देनी है तो 2 टाइम आ डे ही देनी है, और जितनी उसकी डोज है उतनी ही डोज देनी है, अगर उसमें डोज कम की, उसका टाइमिंग कम की, या 3 टाइम की बजाय 2 टाइम दी, 7 डेज की बजाय हमने उसको जो है 4 डेज दे दिया, तो उसकी रेजिस्टेंस हो जाएगी, मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस ऑर्गेनिजम्स बन जाएगी जिस जो हमारे बॉडी में जाके बैठे रहेंगे और दोबारा जो जब हम वो मेडिसिन देंगे तो आराम नहीं आएगा। इज इट क्लियर बच्चों? जी, ब्लड बॉर्न पैथोजीन का मैं बहुत दफा जिक्र कर चुकी हूँ, द रिस्क फॉर ब्लड बॉर्न पैथोजीन इन दी हेल्थ केयर सेटिंग इज एन इंक्रीजिंग कंसर्न फॉर हेल्थ केयर प्रोवाइडर। इसका रिस्क जो है ब्लड बॉर्न पैथोजीन या ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन कह लें, इसका मोस्टली रिस्क किसको होता है, हेल्थ केयर सेटिंग में नर्सिस और डॉक्टर को, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं। ठीक है, OSH ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन
of the U.S. Department of Labor responsible for establishing and enforcing safety and health standard in the workplace. Workplace में जो है OSHA Occupational Safety and Health Administration ने एक डिपार्टमेंट लेबरर के लिए बनाया, लेबर में के लिए बनाया हुआ, दैट वाज दी रिस्पॉन्सिबल फॉर इस्टेब्लिशिंग एंड इन्फोर्सिंग सेफ्टी एंड हेल्थ स्टैंडर्ड इन दी वर्क प्लेस. अब वो सेफ्टी एंड हेल्थ स्टैंडर्ड जो उन्होंने बनाए हुए हैं वो हमारा क्या है कि हमने एसेप्टिक टेक्निक यूज़ करनी है, हमने मास्क लेना है, हमने जो है डायरेक्ट टच नहीं करना, हमने ग्लव्स पहनने, ठीक है, वो हमारे सेफ्टी स्टैंडर्ड है. अगर हम उनको यूज़ करते हैं तो हमें कोरोना वायरस, अब ये जो स्टैंडर्ड है ये लैब में ज़्यादातर यूज़ होते हैं, ये वार्ड में जो डायरेक्ट टच करें पेशेंट के साथ उनके लिए यूज़ होते हैं. लैब में जितने हमारे देखें डायरेक्ट टच कर रहे हैं, वो ब्लड टेस्ट कर रहे हैं कोरोना वायरस वालों का, तो उनका क्या होता है, वो डायरेक्ट ब्लड को टच कर रहे हैं, ठीक है. अगर उनके जो है सेफ्टी स्टैंडर्ड को वो फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, सेफ्टी एंड हेल्थ स्टैंडर्ड जो है वर्क प्लेस के अंदर उनको अगर वो फॉलो कर रहे हैं तो कोरोना वायरस उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा. अब जब हम उस सेफ्टी स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करते तो फिर जाके डॉक्टर और नर्सिस को इन्फेक्शन होता है, जहाँ से कहीं उनके इन्फेक्शन पहुंच जाता है. एंड अपडेटेड इन 1999 डायरेक्टिव इन एन एफर्ट टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स एक्सपोज टू ब्लड बोर्न पैथोजेन स्पेसिफाई द ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरसेस एंड द मेजर हेपेटाइटिस वायरसेस, ठीक है. तब कोरोना वायरस नहीं था 1999 में, तो उन्होंने इसको 99 में अपग्रेड किया था, जिसमें जो है नोजोकोमल इन्फेक्शंस के लिए बहुत सारे, जैसे मास्क की टाइप है, मास्क की टाइप को उन्होंने टाइप किया था, और जो हम जो है एक तो मास्क और ग्लव्स की टाइप्स को उन्होंने रखा था कि किस डिजीज़ के लिए किस टाइप के ग्लव्स और किस डिजीज़ के लिए किस टाइप के जो है मास्क यूज़ करने चाहिए. थ्री लेयर्स मास्क होता है, N95 मास्क होता है, और भी आप लोगों को जब हमने यहाँ पे आप लोगों की वर्कशॉप करवाई थी तो इंट्रोड्यूस करवाए थे, तो उसके अकॉर्डिंगली डिजीज़ के उस वक्त जो है HIV ह्यूमन इम्यूनो जो है डेफिशिएंसी वायरस HIV ये क्या किस चीज़ के वायरस होते हैं, HIV के, एड्स के, ठीक है, HIV एड्स के वायरसेस जो एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं, या फिर हेपेटाइटिस वायरसेस. उस वक्त हेपेटाइटिस जो है BC ज़्यादा होता था, और जिस तरह हम कोरोना से डर रहे हैं उस वक्त हम हेपेटाइटिस सी से ज़्यादा डरते थे. तो उस वक्त जो है हेल्थ स्टैंडर्ड जो है वर्क प्लेस में OSHA ने बनाए थे और उनको आज तक फॉलो किया जा रहा है. हाइजीन इज द साइंस ऑफ हेल्थ. हाइजीनिक केयर प्रमोट क्लीनलीनेस, प्रोवाइड फॉर कंफर्ट एंड रिलैक्सेशन, इम्प्रूव सेल्फ इमेज एंड प्रमोट हेल्दी स्किन. इसमें हाइजीन के लिए जैसे हम कहें कि साइंटिफिकली जो है साइंस ने क्या कहा कि हाइजीनिकली जो है हम केयर करें, प्रमोट करें कि क्लीनलीनेस करें, हम अपने जो रोज़मर्रा यूज़ की चीज़ें हैं, हमारे यूटेंसल्स जैसे हैंड वॉशिंग का बार बार बता रहे हैं, हैंड वॉशिंग होनी चाहिए, खाने पीने वाली चीज़ें साफ़ होनी चाहिए, प्रोवाइड फॉर कंफर्ट एंड रिलैक्सेशन, इंप्रूव जो है इम्यून एंड प्रमोट हेल्दी स्किन. जो है हेल्दी स्किन को प्रमोट करने के लिए जो है वो केयर करनी चाहिए. मीन के हाइजीन के लिए साइंस ऑफ हेल्थ ने कहा कि ईच ऑन एंड एवरीथिंग जो हमने फूड वाटर फूड फ्रूट वेजिटेबल वाटर जो भी चीज़ करनी खानी है वो भी साफ़ सुथरे हों और उनको वॉश भी अच्छे तरीके से किया जाए और उनको कुक भी अच्छे तरीके से किया जाए कि बैक्टीरिया वायरस अगर कोई अंदर गया तो वो भी ख़त्म हो जाए और हमें हैंड हाइजीन भी अपनी हैंड वॉशिंग जिस तरह जो है अब तो बताने की आपको ज़रूरत भी नहीं. हैंड वॉशिंग का तरीका जो हमारे इस्लाम ने हज़ारों साल पहले बताया था आज वो हमें कोरोना वायरस वाले बता रहे हैं कि हैंड हाइजीन कैसे रखनी है. ठीक है, अगर हाथों को बार बार साफ़ किया जाए
इसीलिए तो कहते हैं कि सफाई निस्फ ईमान है, सफाई निस्फ ईमान। इसीलिए कहा गया कि अगर हम पांच वक्त वजू करते हैं तो पांच वक्त जब हम वजू करेंगे तो हमारे जो है हाइजीनिकली कंडीशन सही होगी। जब हम वजू करते हैं या नमाज पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारा पूरा बॉडी जो है वो जब तक साफ नहीं होता हमारी नमाज नहीं होती, ठीक है, हाइजीनिकली अगर हम देखें तो। फिर हम जब पांच वक्त हाथ पांव और मुंह अपने धोते हैं, नाक कान अच्छी तरह धोते हैं, गार्गल्स करते हैं, इसी का नेम वजू है। अब इसको हैंड वॉशिंग और क्लीनिनेस के नेम दे दिया हुआ है। अब इसको हम दिन में 5-7 बार रिपीट करते हैं तो ये तो जो है इन्फेक्शन के रिस्क जो है वो बहुत कम हो सकते हैं। द हेल्थ ऑफ बॉडी फर्स्ट लाइन ऑफ जो है डिफेंस स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, इसकी जिक्र मैं पहले कर चुकी हूँ, प्रमोटेड बाय क्लाइंट हाइजीन। और क्लाइंट हाइजीन के हेल्प इसमें प्रमोटेड करना है कि हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन, हमने अपने नोज को अच्छी तरह से साफ करना है, हमने अपने गार्गल्स करके जो म्यूकस मेम्ब्रेन हमारे गले की उनको हमने अच्छी तरह साफ करना है, ठीक है, उनको हमने वेट रखना है और स्किन को अच्छी तरह हमने साफ रखना ताकि वो हेल्दी रहे, उन पर इन्फेक्शन ना आए। जब भी इन्फेक्शन म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर गया, जब भी इन्फेक्शन हमारी स्किन के अंदर से गया, हमारी स्किन जो है वो इन्फेक्टेड होगी, वो टियरिंग होगी, तो इन्फेक्शन हमारे अंदर दाखिल होना, अदरवाइज इन्फेक्शन हमारे अंदर नहीं जा सकता। जी बच्चों मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग हाइजीनिक प्रैक्टिस, हाइजीनिक जो प्रैक्टिस है उस पे जो है कैसे जो है फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, बॉडी इमेज, सोशल कल्चर, कल्चरल प्रैक्टिसेस, पर्सनल जो है प्रेफरेंस, सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस एंड नॉलेज। अब बॉडी इमेज हमने किस तरह से बनाया हुआ, ठीक है, हमारा हमने बड़े बड़े नेल्स रखे हुए हैं, हमने बड़े बड़े बाल रखे हुए हैं, ठीक है, और हमारा जो बॉडी इमेज है इस तरीके से है, हमने जो है पूरे कपड़े ही नहीं पहने हुए, ठीक है, हमारे चाहे मॉस्किटो आके काटता रहे, ठीक है, ये हमारे बॉडी इमेजेस हैं। और कुछ जो है हाइजीनिकली अपना ख्याल नहीं रखते, उनके कपड़े कोई लोग जो है बात नहीं लेते, काफ़ी दिनों नहाते नहीं हैं, स्मेल आती है उनके अंदर, स्मेल कब आएगी, जब उनमें जो है जो पसीने की स्मेल, जो स्वेटिंग करते हैं, ठीक है, तो वो स्मेल क्या होती है, इन्फेक्शन होता है, उसमें क्या होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं, ठीक है। अब ये हमारे बॉडी इमेजेस हैं कि हमने अपने आप को हमने अपने नेल्स काट के रखते हैं, अगर नेल्स बड़े हैं तो इन्फेक्शन जाएगा, हमारे बाल बड़े हैं तो उसमें लाइसिस और अनहाइजीनिकली उसमें स्किन इन्फेक्शन हो सकते हैं, ठीक है। अब अगर हमारे जो बॉडी इमेजेस पे हम नहाते नहीं हैं तो हम दांत साफ नहीं करते हैं रोज़ाना, तो उसके बोलने से भी स्मेल आती है और उसको खुद तो इन्फेक्शन होगा और दूसरों को भी बुरा लगेगा। इसी तरह अगर उसने बात नहीं लिया तो स्मेल आएगी, उसको अपने आप को तो इन्फेक्शन होगा और दूसरों को भी स्मेल आएगी। तीसरी चीज़, अगर उसने कपड़े चेंज नहीं किए, इसमें हमारे हॉस्टल्स के कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो कपड़े धोने की खातर, स्पेशली बॉयज़, वो कपड़े धोने की वजह से ना, वो क्योंकि वो हॉस्टल में रह होते हैं, 7 डेज उनके कपड़े गंदे होते हैं, जब स्पेशली गर्मियों में आते हैं तो हम अपने नोज़ को दबा के कहते हैं कि बेटा कपड़े धो के पहन के आया करें। ये बॉडी इमेजेस होते हैं जो इन्होंने बनाए होते हैं, खुद को तो इन्फेक्शन कराना है और दूसरों को भी ये चीज़ें जो है अच्छी नहीं लग रही होती, ठीक है। सोशल, मैं किसी को हिट नहीं कर रही, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बेटा शेयर कर रही होती हूँ, क्योंकि थ्रू आउट जो हमारी क्लासेस थी बॉयज़ की, उनमें 35 बॉयज़ भी हमारे पास आते रहे हैं और हम उनको मजाक भी करते रहे हैं कि बेटा कभी नहा आया करो, ठीक है जी। सोशल एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस, कुछ हम सोशल और कल्चरल प्रैक्टिसेस करते हैं जिसमें हम हाइजीनिकली जो है अपने कपड़े साफ नहीं रखते। अब सोशल और कल्चरल प्रैक्टिसेस में यही हम कह सकते हैं कि कहीं गैदरिंग में हम जाते हैं, ठीक है, कल्चरली हम अपना इवेंट कर रहे हैं, ठीक है, कल्चरली इवेंट में जो है वो
किसी हम शादी पे जाते हैं, शादी पे तो खैर हर कोई बना संवार के ही जाता है, किसी डेथ पे जाते हैं, किसी मिलाद पे जाते हैं या क्राउड ऑफ पीपल में जाते हैं, तो कल्चरली कोई भी वहाँ पे जो प्रैक्टिसेस हो रही होती हैं वो मेल प्रैक्टिसेस हो रही होती हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है कि एक तो साफ सुथरी चीज़ें, एक तो लोग खुद भी साफ सुथरे होके नहीं आते, और वहाँ पे कल्चरली कुछ चीज़ें जो है वो नॉर्मल नहीं होती, जैसे खाने पीने की चीज़ें, हमें कहीं मेला लगा हुआ है तो मेले पे जाएं, जितनी भी खाने पीने वाली चीज़ें होती वो सारी मेल प्रैक्टिसेस होती, पता नहीं कब कब से बना के रखी होती, पता नहीं उन्होंने हैंड वॉश किए हुए होते कि नहीं, ठीक है। अब सोशली भी हम कुछ चीज़ें सोशली जो है एक दूसरे के साथ मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं और एक दूसरे को चीज़ें देते हैं। अब देखें कि कुछ घरानों में जो है हाइजीनिकली कंडीशन जो है वो अच्छी नहीं होती, सोशली अगर किसी के घर से पकी हुई चीज़ आती है तो हम तो कहते हैं तो वो तो अच्छे है, उनका तो घर कभी साफ नहीं हुआ, उनके कपड़े कभी साफ नहीं हुए, तो उन्होंने खाना कैसे अच्छा पकाया होगा, ठीक है। तो इस तरह सोशली और कल्चरली प्रैक्टिसेस जो है डेली रोज़मर्रा की जो हमारी प्रैक्टिसेस हैं उनमें खाने पीने की चीज़ें, हमारे कपड़े, हमारी अपीरेंस, हमारी सेल्फ इमेजेस, ये सारा कुछ साफ होना चाहिए, नहीं तो हम जो है अगर हम इकट्ठे हमारा क्लस्टर ऑफ द पीपल होता है तो हम बहुत सारी डिजीजेज एक दूसरे से ले सकते हैं और एक दूसरे को दे भी सकते हैं। और कुछ जैसे मैंने बताया कि फॉल स्मेलिंग एक दूसरे के अंदर से आ रही होती है, स्वेटिंग की आ रही होती है, ब्रश नहीं किया होता है, तो वो एक दूसरे लोगों को भी अच्छा नहीं लग रहा होता। पर्सनल जो है प्रेफरेंसेस, पर्सनल प्रेफरेंसेस में जो है चीज़ें हम पर्सनली क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, पर्सनल अगर एक बंदा बहुत अच्छा जो है अपने हैंड वॉश कर रहा है, ब्रश भी कर रहा है, हेयर केयर कर रहा है, नेल्स केयर कर रहा है, बॉडी केयर कर रहा है, अपने क्लॉथ की केयर कर रहा है, ठीक है, हमारे खाने अपने खाने पीने की चीज़ों को केयर कर रहा है, और इवन के बिस्तर की केयर कर रहा है, जिस बेड पे लेटता है उस बिस्तर के ऊपर लगे हुए पार्टिकल्स जो है उनके ऊपर सो मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। जब हम कई लोग जो है वो बेड के ऊपर चढ़ के तो खाना खा लेते हैं, कुछ चीज़ पीने वाली पी लेते हैं, तो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो वहाँ पे आ जाते हैं तो सो मैनी बैक्टीरिया एंड वायरसेस है दैट आर इफेक्ट द ह्यूमन बींग, जो हमें तो हमारे हाथों से गिराए हुए चीज़ें, हमारे हाथों से लगाई हुई ये चीज़ें जो है हमें हार्म देती हैं। ये हमारी पर्सनल प्रैक्टिसेस हैं जो हम डेली रोज़मर्रा करते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ है सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस, हमारा सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस क्या है, हमारा ये सोशियो इकोनॉमिकली जो है हमारी रेंज में है कि नहीं, कोई चीज़ें जैसे जो है हमें डिफेंस मैकेनिज्म, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट जो है सेफ्टी मेजर के लिए जो है आजकल हम जो है यूज कर रहे हैं, मैं बंद कर रही हूँ जी बेटा, मेरा टाइम खत्म हो गया। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग दी हाइजीनिकल प्रैक्टिस जी, ये हम कल करेंगे यहाँ से, ठीक है। कल मीन के नेक्स्ट जब मेरा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का लेक्चर होगा तो हम फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग दी हाइजीनिकल प्रैक्टिस पे दोबारा से स्टार्ट करेंगे। कल मेरा लेक्चर जो है वो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का है, कल फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का नहीं है। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज, ओके, गुड बाय। ये मैसेज नहीं आपने लेना, अब इस पे करेंगे ना आप जी।